अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख जवाहर रज़ा जावा, आपका अपना सुरज हमद सना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद पे। उम्मीद करता हूं आपकी छुट्टियां बहुत अच्छी गुजरी होंगी, ईद आपने खूब सेलिब्रेट की होगी और यकीनन आपने इस ईद में डिज़र्विंग जो पर्सनस हैं उनको भी अपनी खुशियों में ज़रूर शामिल किया होगा। सबसे पहले गुज़श्ता माँ की आपको मुबारकबाद देता हूँ। ये परवरदिगार ने फ़ज़ल किया आपकी ज़िंदगी में, रमज़ानुल मुबारक का महीना, ये मुबारक महीना आया और आपने इसकी ब्लेसिंग्स जो हैं वो समेटी, ये किसी नेमत से कम नहीं, क्योंकि इसमें इबादत का जो हमें मौका मिलता है वो कई महीनों की इबादत से अफजल होता है और इसमें किया गया आपका एक अमल जो है वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपको उसका रिवॉर्ड जो है वो मिल जाता है। दूसरी बात, यकीनन आपने इस रमज़ान से कुछ ना कुछ लर्न किया होगा, कुछ ना कुछ सीखा होगा। रमज़ान या रोज़े ये सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, ये सीखने का नाम है, ये सब्र और तहमुल सीखने का, बुर्दबारी सीखने का नाम है, बर्दाश्त का नाम है, अपने नफ्स की, अपनी ख्वाहिशात की नफ़ी का नाम है और यकीनन आपने ये सबक अच्छे से ज़रूर ले लिया होगा। इस वक्त मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि आपका ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। ये जून 8 से ले कर तो 15 तक है, 8 से 15 जून आपका ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा, तमाम ज़ोडियाक साइंस वालों को बताने के लिए जा रहा हूँ और सबसे पहले मैं बुर्ज हमल वालों को बताने के लिए जा रहा हूँ कि आपका ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा। कुछ चीज़ें जो कि ऑलरेडी पिछले हफ्ते में आपको मैं डिस्कस कर चुका, जुपिटर, सैटर्न और मार्स की नेगेटिव पोजिशन और उसके इफ़ेक्ट्स भी मैं आपको बता चुका, वो एज़ इट इज़ उसी तरह चल रहे हैं। चेंज क्या है इस हफ़्ते में, दो बड़ी अहम तब्दीलियाँ हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले वीनस आपके जायचे के दूसरे पार्ट में मौजूद है और दूसरे पार्ट में मौजूद रहते हुए आपकी माली पोजीशन को मुस्तहकम कर रहा था, जो कि इस हफ़्ते आपके खाने माल से निकल के तीसरे घर में चला जाएगा। लेकिन इसके तीसरे घर में जाने से क्या होगा, आपकी माली पोजीशन मुस्तहकम रहेगी या डाउन होगी, इसकी जो है आपकी माली पोजीशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बल्कि कुछ बेहतरी मतवक़ है, क्योंकि पहले जो वीनस था वो अपने घर में मौजूद रहते हुए हालत फरा में था, जबकि ये तीसरा घर बुरजौजा जो है ये इसके औज का घर है, तो इसका जो औज यानी कि अरूज जो है वो आपको माली इस्तेहकाम जो है वो बख्शेगा और आपकी सोशल लाइफ में बड़ी मुस्बत तब्दीलियाँ आती नज़र आ रही हैं, क्योंकि जायचे का तीसरा घर आपके नज़दीकी सफ़र है और आपके अज़ीज़ वक़ारिब बहन भाई, आपकी सोशल लाइफ और आपकी तहरीर, आपकी तकरीर, इन तमाम चीज़ों में खूबसूरती आ रही है, जबकि दूसरी तरफ आपका अपना रूलिंग प्लैनेट मार्स जो है वो जायचे के चौथे नेगेटिव है, तो ऐसे वक्त में इन चीज़ों का, आपकी सोशल लाइफ का एक्टिवेट होना और इन मामलों का बेहतर होना परवरदिगार की मदद के अलावा कुछ भी नहीं है। ये परवरदिगार की तरफ से मदद आई कि जब कुछ सयारगा नेगेटिव हो रहे थे तो ये सयारा जोहरा जो है ये आपकी पॉजिटिव हुआ। तीसरा घर, आपके बहन भाई, आपके अज़ीज़ वक़ारिब, आपकी सोशल लाइफ, आपके नज़दीकी सफ़र, तो ऐन मुमकिन है कि अब आप जो है वो किसी नज़दीकी सफ़र पे जाने का इस हफ़्ते में इरादा करें और बहुत मुमकिन है कि ये सिलसिला आगे भी चले, क्योंकि अगले हफ्तों में भी जो है वीनस यहीं पे क्याम करेगा और वीनस की यहाँ पे मौजूदगी आपकी सोशल लाइफ में बहुत बेहतरी लेके आएगी। अज़ीज़ वक़ारिब से जारी कशीदगी खुदा न खास्ता अगर किसी किस्म की थी तो उसका खात्मा हो जाएगा और आपके मामलात में बेहतरी आएगी। आप सोशल लाइफ को अपनी को जो एक्टिवेट करेंगे और जो आपके महाफिल हैं उसमें उसकी जीनत बनते आप नज़र आ रहे हैं और इसके अलावा बहुत सारे मामलात आपके बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगे। वीनस जो कि आपके बैतुल ज़ौज का भी आके में, यानी कि आपके शराकती अज़दवाजी मामलात का भी आके में, तो यहाँ पे भी आपके लिए मुस्बत जो है पोजीशन बनती नज़र आ रही है। आपका कोई करीबी अजीज़ आपकी शादी के मामले में हेल्पफुल हो सकता है और इसी तरह आपके जो लाइफ पार्टनर है उसके आपके जो बहन भाई, आपके जो बहन भाई हैं उनके साथ तल्लुका जो है वो बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। इसी तरह आपकी शादी की राह में जो रुकावटें खुदा न खास्ता थी वो भी ख़त्म होती नज़र आ रही हैं और आपकी शादी खाना आबादी, इस वक्त शादी करना बड़ा ही ज़बरदस्त होगा जबकि ज़ोरा अरूज पे होगा, तो आपकी शादी खाना आबादी तय पाने के भी कभी इम्कान मौजूद हैं। दूसरी तरफ आपका मून जो है वो जायचे के पाँचवें मौजूद रहते हुए बड़ी अच्छी पोजिशन बना रहा है। सन आपके तीसरे मौजूद है, बच्चों की तरफ से
आपको काफ़ी सारी सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपको लेके चलनी है। बच्चों की लक आपकी जो है वो बड़ी इस वक्त फेवरेबल होगी और बड़ी अच्छी पोजीशन बनती नज़र आ रही है। इसी तरीके से आपके बच्चों जो हैं वो भी आपकी सोशल लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव किरदार अदा करते नज़र आ रहे हैं। आपका इस हफ्ते में कमर दर अकरब है, इसके अलावा कमर दर अकरब जो है वो 13 जो है जुमेरात को स्टार्ट हो जाएगा। सुबह 9:02 पे इसका जो है आगाज़ है और ये 13, 14, 15 3 दिन है। तो कमर दर अकरब का सदका लाजमी दीजिएगा क्योंकि कमर जो है ये आपके जायचे के चौथे घर का हाकिम है। आपकी रहायश की जगह, आपकी सवारी, आपकी वालदा और आपका ख़ानदान 8वें घर में आपके जो है इसको हबूत होगा। 8वां घर किसी तौर भी अच्छा नहीं। तो 2 किलो टूटा चावल, आटा या दूध का सदका देना आपके लिए इंतहाई फिजिबल होगा। अभी भी इस हफ्ते में आपके शहरगन की पोजीशन जो है वो बहुत अच्छी नज़रात बन रही है, कमर की नज़रात बहुत अच्छी हैं। जॉब के हवाले से कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। इसके अलावा आपके जो कैरियर रोज़गार के मामलात हैं वो थोड़ा स्लो स्पीडेड हो गए हैं और इंशाल्लाह इस हफ़्ते आप असर नौ उसका जायज़ा लेते हुए अपने मामलात को बेहतर अंदाज से टैकल करने की पोजीशन में आ जाएंगे और इंशाल्लाह आपके मामलात में बेहतरी मतवक है। जो जारी आपके सिस्टम चल रहा था, प्रोजेक्ट्स चल रहे थे और पेंडिंग थे, उन्हीं को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। नए प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको स्टार्ट करने से आपको गुरेज करना होगा। तो मजमूई तौर पे देखूं तो ये हफ़्ता आपके लिए एक मिला जुला हफ़्ता है। मरकरी आपके जायचे के चौथे घर में आ चुका है और चौथे घर में इसके आने से ख़ानदान में जारी जो कशीदगी है उसमें कमी वाक़ होगी। आपके जो सोशल सर्कल है, आपके जो बहन भाई हैं वो इन मामलात में इन्वॉल्व हो के तो इस मामले को बेहतर करते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आप जगह की तब्दीली का कोई फ़ैसला कर सकते हैं जो कि बेहतर इस वक्त नहीं होगा। इस वक्त कम से कम सवारी और जगह की तब्दीली का फ़ैसला कतई तौर पे आपके लिए बेहतर नहीं होगा, इस बात को नोट कर लीजिएगा। मजबूरी तौर पे देखूँ तो ये आपके लिए एक मिला जुला हफ्ता है। गुज़श्ता चीज़ें जो चल रही थी उन्हीं का तसलसल जो है वो आगे चलता नज़र आ रहा है और बहुत अहम आपका अपना रूलिंग प्लेनेट मार्स जो कि इस वक्त नेगेटिव है। तो डिप्रेशन का शिकार होने के बजाय इसका सदका दीजिए और दुआ रद्द नुसरत शहरगान पढ़िए। 900 ग्राम दाल मसूर का सदका देना आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। इसके अलावा अगर आप इस वक्त स्पेशली आप इस वक्त अगर जो है 261 टाइम 261 मरतबा या मालिक को या कुद्दूस पढ़ें और अव्वल आखिर नौ मरतबा पढ़ें दुरूद पाक तो ये आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। उम्मीद करता हूँ जो मालूमात मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये आपके लिए कुछ लाइट का काम करेंगी और आप इनकी रोशनी में अपने मामलात को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकेंगे। हमारा अगला बुर्ज बुर्ज सौर यानी कि टॉरस, ऐसे तमाम अफराद जो कि 20-21 अप्रैल से लेके 20 मई के दरमियान पैदा होते हैं, ऐसे तमाम अफराद टॉरस में आते हैं। या अगर आपको कन्फर्म अपनी डेटों पर पता नहीं है और नाम के पहले रूप जो बे या वाओ से शुरू होते हैं तो भी आप टॉरस में आते हैं। आपका दिन आपके लिए जो लकी दिन है वो जुमा है और जो सैारा है आपका वीनस यानी कि जोहरा है। जो जम स्टोन आपके लिए बेहतरीन है बल्कि इस वक्त पहनना आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा साबित होंगे क्योंकि इस वक्त आपका अपना रूलिंग प्लैनेट जो है वो अच्छी पोजीशन में है। तो ऐसे वक्त में अगर आप जम स्टोन वेयर करेंगे तो ये उसको मल्टीप्लाई कर देगा। आपका लिए सबसे बेहतरीन जो है वो ब्लू टोपाज़ है, वाइट सफ़ायर है यानी कि सफ़ेद पुखराज आप पहने, ये आपके लिए ज़बरदस्त फवाइद कामिल इंशाल्लाह होगा। इसके अलावा आप दूर नजर पहन सकते हैं, नीलम आप रिकमेंडेशन में पहन सकते हैं और आप जब भी नीलम पहने तो डार्क कलर के लिए कदरे लाइट कलर का नीलम पहने, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले आपका अपना रूलिंग प्लैनेट बहुत अच्छी पोजीशन में आपके असेंडेंट में मौजूद है और इसकी ये मौजूदगी पिछले हफ्तों में आपकी पर्सनैलिटी बड़ा खूबसूरत चेंज एक लेके आई, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपकी हुई, आपके गोल्स हैं वो अचीव होना शुरू हुए। अब ये इस हफ्ते में इंशाल्लाह आपके जायचे के खाना माल में दूसरे हिस्से में चला जाएगा। दूसरे हिस्से में जाने से इसको यहाँ पे औज है वीनस को, तो ये मज़ीद आपके इमेज को जो है वो पॉजिटिव करेगा। अभी सिर्फ आपकी थाट्स इमेजेस थी पॉजिटिव थी, अब ये आपके पब्लिक इमेज को भी जो है ना वो बेहतर करेगा और लोगों में आपकी
جب مقبولیت ہے اور آپ کے سیلف کانفیڈنس دونوں میں اضافہ کرے گا، یہ آپ کے لیے بڑا اچھا بنتا نظر آ رہا ہے۔ سب سے اہم آپ کے سوشل ایکٹیویٹیز، آپ کے بہن بھائی، آپ کے عزیز و اقارب اور گھر کا ماحول، یہ دونوں چیزیں آپ کی جو ہے وہ اس وقت بہت اچھی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ مارس آپ کے ذائقے کے تیسرے موجود رہتے ہوئے بہن بھائی اور عزیز و اقارب کے ساتھ آپ کے تعلقات کو قدرے کشیدہ کر سکتا ہے، اسپیشلی جبکہ تیسرے کا آکر موجود میں ہوگا۔ 13، 14، 15 کمر درکب ہے، یہ کمر درکب آپ کے شادی ازدواجی تعلقات کو بھی ڈسٹرب کر رہا ہے اور عزیز و اقارب بہن بھائیوں کے ساتھ بھی تعلقات آپ کے ڈسٹرب کرتا ہے۔ ان ایام میں آپ کو سفر سے بھی گریز کرنا ہے، بڑی محتاط رہیے گا۔ اگر ان ایام میں سفر کرنا ہے تو پھر آپ کے لیے لازمی ہے کہ دو کلو ٹوٹا چاول، آٹا یا دودھ کا صدقہ دے کے پھر سفر کریں، اور یہی صدقہ آپ کے شادی ازدواجی تعلقات کو بچانے میں بھی آپ کے لیے کام آئے گا۔ یہ تین وہ دن ہیں جب آپ کو کسی بھی قسم کی اختلاف اپنی سوشل لائف میں، آپ کی جو بہن بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، قریبی عزیز و اقارب ہیں، ان کے ساتھ کسی بھی قسم کے اختلاف سے آپ کو ان ایام میں گریز کرنا ہے، یہ آپ کے لیے بڑا ہی ضروری ہوگا۔ آپ کی والدہ کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے چل رہے ہیں، فیملی سے کمفرٹ آپ کو جو ہے وہ مل رہا ہے، اور یہ ہفتہ جو ہے وہ تمام آپ کا جو ہے وہ اچھا پوزیشن میں رہے گا، کوئی اس قسم کی پرابلم نہیں ہے۔ آپ کی منگنی طے پانے کے کبھی امکانات موجود ہیں، مرکری اچھی پوزیشن میں ہے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے میں آپ کے ذائقے کے پانچویں کمر کا اوج ہے، تو آپ کے لو افیئرس بھی ٹاپ پہ جاتے نظر آ رہے ہیں، آپ کی منگنی طے پا سکتی ہے۔ آپ کی ایجوکیشن اگر اسکیل 12 سے 14 کے درمیان کی لے رہے ہیں تو بھی بڑی اچھی پوزیشن۔ اس کے علاوہ آپ کا مزاج کچھ لگژری کی طرف جائے گا، کچھ گھومنے پھرنے کی طرف جائے گا، جو کہ 2.25 دن ہیں آپ کے لیے، یہ یعنی ہفتہ اتوار، یہ 2 دن آپ کے مزاج میں اس طرح کی بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ پیدا ہوں گی، اور جو کہ ایک اچھی علامت آپ کے لیے ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کا انعامی بانڈ نکلنے کے امکانات بھی بہت ہی زیادہ روشن ہیں۔ اس وقت اگر آپ چاہیں تو خانہ بال میں زہرہ کا اوج اور پانچویں گھر میں کمر کا اوج، یہ دونوں مل کے آپ کی مالی پوزیشن کو استحکام دے سکتے ہیں۔ جاب اور صحت دونوں آپ کی بہت اچھی پوزیشن میں، بلکہ آپ کو کوئی ایسی جاب ملنے کی توقع میں کر سکتا ہوں جو کہ آپ کی مالی پوزیشن میں مزید استحکام لے کے آئے گی۔ اس کے علاوہ بہت اہم آپ کے شرافتی ازدواجی تعلقات، اگر آپ میریڈ ہیں اور آپ شادی شدہ ہونے کے ساتھ ساتھ اگر آپ میریڈ ہیں تو آپ کو اپنی شادی ازدواجی زندگی کو جو ہے وہ ہر صورت میں بچانا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی سوشل لائف بھی ڈسٹرب ہوتی نظر آ رہی ہے، آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات ڈسٹرب ہوتے نظر آ رہے ہیں، اس پہ آپ کو اس پہ جو ہے اسپیشلی فوکس کرنا ہے۔ اور سوسائٹی کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات قدرے جو پہلے ہی کشیدہ چل رہے ہیں ابھی بھی کشیدہ ہوتے نظر آ رہے ہیں، تو ان دونوں چیزوں کو آپ کو اسپیشل فوکس کرنا ہے۔ کیریئر روزگار کے حوالے سے آپ کے جو معاملات ہیں وہ اچھے چل رہے ہیں، اور لیکن تھوڑا سا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیلے ہو رہا ہے آپ کے پروجیکٹس میں، وہ ابھی بھی سلسلہ جو کر تو ہی چلے گا، اس میں کوئی تبدیلی واقعہ اس ہفتے نہیں ہوگی۔ تو مجموعی طور پہ دیکھوں تو یہ آپ کے لیے ایک ملا جلا ہفتہ ہے۔ اس ہفتے میں آپ کے لیے جو اہم چیز ہے وہ آپ کا اپنا رولنگ پلانٹ اور کمر درکب، دونوں چیزوں کو آپ کو لازمی فوکس کرنا ہے۔ بر وقت اس کی صدقہ دیجئے کمر درکب کا، اور اس چیز سے آپ انشاءاللہ محفوظ رہ سکیں گے۔ اس کے علاوہ میں نے بتایا کہ مارس آپ کا نگیٹو چل رہا ہے تیسرے گھر میں، تو اس کے لیے منگل والے دن 900 گرام دال مسور یا مرغی کی کلیجی کا صدقہ دے کے آپ اس معاملے کو بہتر کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جو معلومات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ آپ کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ثابت ہوں۔ ہمارا اگلا زوڈک سائن جیمنائی یعنی کہ برج جوزا، اور آپ کا سائن لارڈ مرکری ہے یعنی کہ برج سیارہ عطارد جو ہے۔ سب سے پہلے آپ کا سن جو ہے وہ آپ کے اسینڈنٹ میں اس وقت موجود ہے، جو کہ آپ کی عزت وقار میں جو ہے وہ اضافہ کر رہا ہے۔ سن جب بھی اسینڈنٹ میں آتا ہے تو آپ کے پبلک امیج کو جو ہے وہ زبردست کرتا ہے۔ آپ کی سوشل لائف اس وقت بہت اچھی، آپ کی بہن بھائی عزیز و اقارب کے ساتھ آپ کا تعلقات بہتر کر رہی ہے، ان کی آپ کے بارے میں رائے کو پازیٹیو کر رہا ہے سن، جو کہ آپ کے تیسرے گھر کا حاکم ہے۔ اسی طرح سن کی وجہ سے آپ کو اپنی سوشل لائف جو ہے وہ تیزی سے بلڈ اپ ہوتی نظر آئے گی، اور اسپیشلی اگر
आपकी कोई दोस्त है बाद में गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और या बहुत ही ज़्यादा साहिब हैसियत ही है, साहिब इज़्ज़त लोग हैं, तो उनका आपके बारे में इमेज जो है वो बड़ा ज़बरदस्त होता नज़र आया। मरकरी आपके असेंडेंट में मौजूद था, जो कि पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया कि आपके खाना माल में जा चुका है, तो उसके खाना माल में जाने से अब दो चीज़ें हुई। पिछली जो सूझबूझ थी आपकी, उसमें आपने बड़े अच्छे फैसले किए और अपने मामलात को बड़ी ही तदब्बुर के साथ चलाया। अब आपके खाना माल में इसके जाने से आपका पब्लिक इमेज भी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त होगा और आप माली लिहाज से बेहतर फैसले करने की पोजीशन में होंगे, जबकि मार्स वहाँ पे मौजूद रहते हुए आपके खराजात में तेज़ी का बायस बन रहा है। इस हफ़्ते आपकी जो नज़रात हैं, स्पेशली कमर की जो नज़रात हैं मरकरी के साथ, वो बहुत अच्छी हैं। बुध वाले दिन और इसके अलावा उससे पहले इतवार वाले दिन बहुत अच्छी नज़र है संडे, तो यहाँ पे आपको माली लिहाज से कुछ बेहतर फैसले करने का मौका मिलेगा और अखराजात में जो है उसमें भी आप उसको कंट्रोल करने की पोजीशन में आएंगे। लेकिन आपको कदरे थोड़ा सा टाइट पोजीशन मिलेगी जब 14 तारीख जुमे को, जबकि आप फिर एक बार फिर जो है वो जल्दबाजी में कोई गलत फ़ैसला माली लिहाज से कर सकते हैं जो कि आपको माली बहरान का शिकार कर सकता है। यही वो दिन है 13, 14, 15 जबकि आपके खाना माल का हाकिम सैयारा कमर जो है ये हबूत में होगा, तो इस दिन 2 किलो टोटा चावल, आटा या दूध का सदका लाजमी दें ताकि आप अपने इन मामलात को बेहतर कर सकें। कमर आपके जायचे के छठे घर में जो है इसको हबूत होगा, तो ये आपकी सेहत और जॉब को भी मुतासर कर सकता है। इसके अलावा जो आपके मुलाजमीन हैं वहाँ से आपको कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ सकती हैं, आपको उनके ऊपर कुछ अखराजात करने पड़ सकते हैं या वो आपको किसी माली बहरान का शिकार कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप सदका दे के इस मामले को बेहतर कर सकते हैं। फैमिली घर दोनों मामलात आपके बहुत अच्छी पोजीशन में जा रहे हैं, आप बेहतर फैसले करने की पोजीशन में हैं। घर में कुछ अहम तब्दीलियाँ मतवक्का हैं इस हफ़्ते भी, जो कि आप इंशाल्लाह इतवार वाले दिन घर का माहौल भी तब्दील होगा, आपकी जो है फैमिली के साथ कुछ ऐसी गुफ्तगू भी मतवक्को है जो कि आपके माली सिचुएशन को और माली मामलात को लेके हो सकती है और कुछ बेहतर और पॉजिटिव जो डिसीजंस हैं वो इंशाल्लाह होते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आपकी मंगनी तय पाने के कवी इम्कान मौजूद हैं। वीनस आपके जायचे के 12वें रहते हुए जो प्रॉब्लम कर रहा था बेहतर होते हुए भी, अब वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। मैंने लास्ट वीक्स में आपसे कहा था कि आपकी मंगनी तय पाने के कवी इम्कान मौजूद हैं, लेकिन ख्याल कीजिएगा कि ये आपके अगेंस्ट कोई प्रॉक्सी हो सकती है, तो अब इस प्रॉक्सी का खात्मा हो जाएगा। वीनस आपके असेंडेंट में आएगा, वीनस के असेंडेंट में आने से आपकी मंगनी तय पाने के कवी इम्कान जो हैं वो बन जाएंगे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी मंगनी तय पा जाएगी। इसके साथ साथ आपकी पर्सनालिटी में एक मैग्नेट जो है वो फिट होता नज़र आ रहा है, आप बड़ी ही खूबसूरत पर्सनालिटी जो है वो डेवलप हो रही है और एक कशिश, एक अट्रैक्शन आपकी पर्सनालिटी में आएगी। आपका मूड जो है वो भी चेंज होता नज़र आ रहा है, आप लग्जरी की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं, आप बड़ी ही रोमांटिक सिचुएशन में जा रहे हैं और आपका मिजाज में ये तब्दीली अगले कई हफ्ते जो है वो बाकी रहेगी। आपके लव अफेयर्स वो भी बेहतर होते नज़र आ रहे हैं, बच्चों के साथ आपके तल्लुकात बेहतर होते नज़र आ रहे हैं, बच्चे आपकी बात जो पहले नहीं समझ पा रहे थे अब वो आपकी बात को समझने की पोजीशन में बहुत अच्छे तरीके से आएंगे। और ये जो इस वक्त आपको परवरदिगार की तरफ से एक पॉजिटिव आ रहा है, इसको बेटर यूज़ करते हुए आप जो है वो अच्छी पोजीशन में जा सकते हैं। आपकी इनामी बॉन्ड में अगर इंटरेस्ट है तो यहाँ पे ज़रूर पार्ट लीजिएगा, क्योंकि इस वक्त आपके इनामात निकलने के इम्कान 70% जो है वो हो जाएंगे। 30% क्यों नहीं, वो समटाइम ऐसा होता है कि कई ऐसे अफराद हमने देखे हैं कि उनके जायचा पैदाइश में इस चीज़ की गुंजाइश ही मौजूद नहीं होती कि उनका कोई लकी इनाम निकल सके, तो ऐसे अफराद सिर्फ नहीं ले पाएंगे वरना बाकी तमाम अफराद इंशाल्लाह इस वक्त से भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। इसके अलावा अगर आप एजुकेशन ले रहे हैं स्केल 12 से 14 के दरमियान की, तो आप काफ़ी कंफर्ट जोन में जाते नज़र आ रहे हैं। औलाद के ख्वाहिशमंद अफराद को स्पेशली अगर कोई कपल जो है वो बेबी डॉल का ख्वाहिश रखता है तो उसके लिए इंतहाई साजगार माहौल है और इंशाल्लाह परवरदिगार की मेहरबानी से इस वीक में या अगले वीक में आपको औलाद की तरफ से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। जैसे कि मैंने बताया, अपनी हेल्थ और जॉब का ख्याल कीजिएगा। आपके अज़दवाजी तल्लुकात, आपके शराकती अज़दवाज, शराकती मामलात, आपके शराकती माली मामलात और विरासती मामलात, ये तमाम चीज़ें पिछले काफ़ी अर्सा से आपके नेगेटिव चल रही हैं
और ये अभी भी जूं का तू है। इसी तरह आपके सुसाली जुकारों के साथ आपके तल्लुकात एक मुनासिब हद तक जो है वो जाते नज़र आ रहे हैं। इसमें बहुत अच्छी कोई अट्रैक्शन इस वक्त मौजूद नहीं है, कुछ थोड़ी सी खिंचाव तनाव की कैफियत जो है वो नज़र आ रही है, जो कि अभी भी जारी रहेगी। कैरियर रोज़गार के हवाले से मामला आपके चल रहे हैं, लेकिन शायद वो चीज़ें उस तरह से नहीं आप कर पा रहे जैसे कि आप रूटीन में करते हैं। उसकी वजह जुपिटर की रेट्रोग्रेशन है। जुपिटर की रेट्रोग्रेशन जो है वह आपके गोल्स को डिले की तरफ ले जाती है और आप उस तरह से नतायज नहीं ले पाते अपनी एफर्ट्स के जिस तरह के आप चाह रहे होते हैं या जैसे आपको पहले मिल रहे थे। अभी भी आपका सीनियर जो है वो कुछ अच्छी पोजीशन में नहीं नज़र आता, अगेंस्ट है, अपनी जॉब बचाने की कोशिश कीजिएगा। दोस्त अहबाब आपके साथ हैं भी और नहीं भी, और आपकी होप जो है वो उनसे ज़्यादा रखना आपके लिए बेहतर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से आपको इस वक्त माली सपोर्ट मिलने की बजाय आपको वहाँ पर माली सपोर्ट करने की जो है वो नौबत आ सकती है। इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए एक बेहतरीन टाइम है। अगर आप बैनुल मुल्क मुकीम हैं, सवारी और जगह की तब्दीली की तरफ जाना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन टाइम है। आपके मिजाज में जो है अब कुछ लग्जरी आइटम्स की तरफ जाना भी नज़र आ रहा है। आप अपनी रहाइश की जगह पे कुछ तब्दीलियाँ, स्पेशली अपने बेडरूम में, अपने लिविंग में, यहाँ पर आप कुछ करते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा आप अपनी सवारी के बारे में थोड़ा सा वरीड होंगे और उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे, जो कि एक और पॉजिटिव जो है आपके लिए पोजीशन है, और इस वक्त आपको उसके हवाले से माहौल इंशाल्लाह इंतहाई साजगार मिलेगा। इमिग्रेशन के अलावा अगर आप बैरून मुल्क मुकीम रहते हुए जगह की तब्दीली चाहते हैं तो भी हालात आपके लिए ज़बरदस्त बनते नज़र आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ जो मालूमात मैंने आपके साथ शेयर की हैं या आपके लिए फ्रूटफुल साबित होंगी। सवारी और जगह की तब्दीली के वजह से फैसला थोड़ा सा सोच समझ के आपको करना है, क्योंकि मरकरी आपके खाना माल में मौजूद है, ये अखराजात में तेज़ी लेके आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए अपने फैसले करेंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा, ताकि आपको फ्रीक्वेंटली ये जो वीडियोज़ हैं ये मिलती रहें। आपके लिए इस वक्त वाइट सफ़ायर या ब्लू टोपाज पहनना, सॉरी, आपके लिए इस वक्त एमरल्ड ये येलो सफ़ायर पहनना बड़ा ही ज़बरदस्त होगा। एमरल्ड आपकी जो पर्सनालिटी ट्रेड्स हैं उसको अप करेगा, येलो सफ़ायर जो है ये आपके शराकती और कारोबारी मामलात, आपके कैरियर रोज़गार से मुतल्लिक मामलात जो डिले हो रहे हैं और जो शराकती अज़दवाजी तल्लुकात में आपके जो गैप बन रहा है, जो एक डिस्टेंस पैदा हो रहा है, उसको बेहतर करने में आपके लिए हेल्पफुल होगा। उम्मीद करता हूँ ये मालूमात तमाम जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये आपके लिए फ्रूटफुल होंगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो दूसरे दोस्त साहब आपके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये आपका अपना। हमारा अगला जोडिक साइन है कैंसर। कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान। ऐसे तमाम अफराद जो कि 20-21 जून से लेके तो 23 जुलाई के दरमियान पैदा होते हैं, ऐसे तमाम अफराद जो हैं वो कैंसर में आते हैं। या अगर कंफर्म डेट ऑफ बर्थ आपको पता नहीं है और आपका जो नेम का कैपिटल वर्ड है वो एच है तो भी आप कैंसर में ही शुमार होते हैं। आपके लिए बेस्ट जो है वो डे आपका लकी डे जो है वो पीर है, यानी कि मंडे है, और डिजिट आपका लकी है वो 2 है। आपके लिए बेहतरीन जेमस्टोन जो हैं वो पर्ल यानी कि मोती है। इसके अलावा आप मूनस्टोन पहन सकते हैं, हिजरुल कमर पहन सकते हैं, दुर नजफ भी आप पहन सकते हैं। कुछ ख़ास केसेस में हम जो है वो लैब्राडोराइट भी पहनाते हैं वाइट कलर में। तो ये तमाम जो हैं स्टोन्स आपके लिए बेहतर हैं। जेमस्टोन्स के हवाले से आप हमारी वेबसाइट जावा जेम्स जो है उसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटी भी मिलेगी, पिक्चर्स भी हैं, प्राइसेस भी हैं, वेट भी है, और बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे इंशाल्लाह देखने को मिल जाएगी। तो उसका लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे होते हैं, आप वहाँ से सिर्फ उसको क्लिक करें, वेबसाइट जो है वो आपके लिए खुल जाएगी। कैंसीरियन के लिए बहुत अहम है ये हफ्ता। मैंने कुछ चीज़ें आपको लास्ट वीक बताई थी, बड़े अच्छे तरीके से मैंने वार्न किया था कि मार्स आपके असेंडेंट में मौजूद है, जो कि इस हफ्ते में राहु के साथ किरान करने के लिए जा रहा है। राहु और मार्स का किरान किसी भी सूरत अच्छा नहीं होता, ये दोनों बिल्कुल अपोजिट चीज़ें हैं। ओवर कॉन्फिडेंट करेगा, एग्रेसिव करेगा, साथ में मरकरी है, मरकरी गो के अभी गैप में है, ये एक और पॉजिटिव है परवरदिगार की तरफ, क्योंकि इसके साथ अगर मरकरी भी होता तो फिर आपका पब्लिक इमेज
बहुत डिस्टर्ब होता और आपके से बहुत ही गलत किस्म के फैसले जो हैं वो मतवक्का थे। अभी भी बहरहाल आपको बड़ी एहतियात से काम लेना है, स्पेशली आपको पब्लिक इमेज अपना बचाने के लिए आपको एग्रेसिव होने से और रूटेड जो किस्म का अपना है वो एटीट्यूड शो करने से ख़ुद को गुरेज करना है। सेल्फ़ कंट्रोल इस वक्त आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा, ये हफ़्ता आपके लिए बहुत अहम है। इसके अलावा मैं आपको स्पेशली कहूँगा किसी भी किस्म के आतशी हथियार से, लड़ाई झगड़े से और परहेज़ कीजिएगा। स्पेशली अगर आप मोटर बाइक चलाते हैं या गाड़ी ड्राइव करते हैं तो अपने सर का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, खुदा न खास्ता यहाँ पे चोट लगने के इम्कानात मौजूद हैं। परवरदिगार आपको अपनी अमान में रखे। इस हवाले से मंगल वाले दिन 900 ग्राम मूंगी साबत का या दाल मसूर का सदका देना आपको इस नागहानी आफत से जो है वह बचा सकता है, इस पर ज़रूर फोकस कीजिएगा। इसके बारे में फरमान है कि सदका एक ऐसी चीज़ है जिसमें मौत के अलावा हर चीज़ का हल मौजूद है, तो बड़ी ही एहतियात की ज़रूरत है आपको। पैसे जैसे कि मैंने कहा था आपके पास आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, दोनों काम जो है वो चल रहे हैं। सडनली आपको कुछ अखराजात करने पड़ेंगे जिसकी वजह से आपकी माली पोजीशन जो है वो बेहतर होती नज़र आ रही नहीं आ रही। और इस हफ्ते में 13 तारीख को जुमेरात, जुमा हफ्ता, तीनों दिन जो है वो कमर दर अक्रब रहेगा। कमर के अक्रब में जाने से भी आपके जो अखराजात उसमें तेज़ी भी होगी और पैसे आने का सिलसिला मौकूफ़ भी होगा। ज़हन में रखिएगा अगर आप बिज़नेस करते हैं या आप किसी अच्छी पोजीशन में हैं तो आपको इन अयाम में जो है वो माली लेन देन से आपको गुरेज करना है। अगर आपके कोई इन चीज़ें ऑलरेडी प्लान्ड हैं तो उसको बिफोर टाइम कर लीजिए ताकि आप इस वक्त में जो है कहीं फंस ना जाएँ, आप ट्रैप ना हो जाएँ, आप स्टक ना हो जाएँ। ये चीज़ें आपके लिए बड़ी ही अहम होंगी, तो इस पे आप इंशाल्लाह फोकस करेंगे। नज़दीकी सफ़र, बहन भाई, अजीज़ो कारब, सोशल एक्टिविटीज़ आपकी इस वक्त अरूज पे हैं और इस तरफ आपका रुझान बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा बेसिक एजुकेशन अगर आप ले रहे हैं स्केल 12 तक की तो भी आपके हालात बहुत अच्छे हैं। सैटरडे से जो है वो ऑनवर्ड मून सैटरडे और संडे, सॉरी संडे और मंडे दोनों दिन जो है वो आपका मून जो है बड़ी अच्छी पोजीशन में होगा। एजुकेशन के हवाले से आपको बड़ी ज़बरदस्त जो है वो पोजीशन मिलती नज़र आ रही है। अगर आप कोई इम्तहानात हैं या आप एजुकेशन ले रहे हैं तो इंशाल्लाह आप कंफर्ट जोन में नज़र आते हैं। मेंटली पीस आपको मिलेगा इंशाल्लाह और अगर आप इस वक्त में स्टडी करेंगे तो आपको बड़े ही अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। घर का माहौल बहुत अच्छा हो रहा है, मेल मिलाप, बहन भाई, अजीज़ो कारब, वैसे भी ईद का इवेंट अभी गुजरा लेकिन अगले दौर में ये आपके लिए मज़ीद बेहतर होता नज़र आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीज़ें आपको मज़ीद फोकस करनी पड़ेंगी क्योंकि आपके चौथे घर का हाकिम सियारा जो है वो 12वें में ही चला जाएगा, तो 12वें में ये जाने से कुछ प्रॉक्सी वाली सिचुएशन भी बढ़ती नज़र आ रही है। आपको सवारी और जगह की तब्दीली के हवाले से कुछ मुवाफिक हालात नहीं मिलेंगे और इस मामले में आपको बहुत मोहतात होकर चलना है। अपनी सवारी का ख़ास ख्याल कीजिएगा और इसकी तब्दीली से कतई तौर पे आपको गुरेज करना है। इसी तरह घर का जो माहौल है उसके बारे में भी आपको कदरे एहतियात करनी है। वालदा की तरफ से थोड़ी सी प्रॉब्लम बनती नज़र आ रही है, उम्मीद है आप इसको टॉलरेंस से काम लेंगे तो इंशाल्लाह ये मामला भी इंशाल्लाह आपका बेहतर हो जाएगा। आपकी मंगनी, आपके लव अफेयर्स, आपकी ये तमाम चीज़ें इस वक्त अच्छी पोजिशन में नहीं हैं, आपकी मंगनी तय पाने के इम्कान नहीं हैं और इस वक्त अगर आप एफर्ट भी करेंगे तो सवाए मायूसी के कुछ भी याद नहीं आएगा, तो बेहतर है कि कुछ टाइम के लिए इस प्रोसेस को रोक दें, कम से कम जुलाई के महीने के लिए इसको रोक दीजिए, सॉरी जून के महीने के लिए। 2 जुलाई के बाद जब मार्स अच्छी पोजीशन में आएगा तो आपके लिए हालात माफिक होंगे और आपके सिस्टम जो है वो चल पाएगा। बच्चों के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे नज़र नहीं आ रहे और इसी तरह आपकी इनामी स्कीमों में पार्ट लेना भी आपके लिए फ्रूटफुल साबित नहीं होगा। अपनी जॉब और अपनी सेहत दोनों का आपको ख्याल करना है। जुपिटर का रिवर्स आपके मामलात को डिस्टर्ब कर सकता है। आपके जो कुलीग्स हैं जॉब की जगह पे, वहाँ पे आपको कोई कुलीग्स की तरफ से भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो बेहतर होगा कि आप थोड़ा खुद में टॉलरेंस से काम लें। जो कि मैं आपको बता चुका कि एग्रेसिव एटीट्यूड बनता आपका नज़र आ रहा है, आपको यहाँ से बचना है। इसी तरह आपके करियर रोज़गार के हवाले से बताता चलूँ कि आपको किसी भी किस्म की जल्दबाजी से गुरेज करना है। आपकी मदर इन लॉ के साथ आपके ताल्लुकात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं, कुछ ब्लेम गेम वाली सिचुएशन भी बनती नज़र आ रही है, तो इन तमाम चीज़ों को आपको बिल्कुल ऐसे लेके चलना है जैसे हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दुनिया में ऐसे रहो
जैसे 32 दांतों के दरमियान में ज़ुबान रहती है, यानी वो इलती भी है, सब कुछ करती है, लेकिन किसी भी दांत के दरमियान आने से गुरेज करती है। अगर आपको पता है कि अगर कभी एक्सपीरियंस खुदा नखास्ता आपको हुआ हो, अगर ये दांतों के दरमियान आ जाए तो फिर तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। तो आपको इस वक्त बहुत ही टॉलरेंस से काम लेना है। जॉब स्विच करने की गलती कतर ना कीजिएगा। आपके शादी अजवाजी ताल्लुकात भी इस वक्त अच्छी पोजीशन में नहीं जा रहे, सो इस मामले पे भी आपको फोकस करना है और मामलात को जल्दबाजी से कतई तौर पे आपने हल नहीं करना, जो कि मुझे नज़र आ रहा है कि आप इस वक्त बेहतर सिचुएशन में जाते नज़र आ रहे। हाँ, बहुत अच्छी पोजिशन यहाँ पर मरकरी जो कि असेंडेंट में आ रहा है, मरकरी का असेंडेंट में आना जो है वो आपको बेहतर सूझबूझ की सलाहियत इंशाल्लाह अता करेगा। अपनी गुफ्तगू में आपको एहतियात करनी है। वीज़ा वगैरह अप्लाई करने से गुरेज कीजिएगा। सोशली जो करब के साथ भी तल्लुकात आपके अच्छे नहीं है। मजहबी मामलात को भी इस वक्त कदरे आपको बेहतर अंदाज में लेके चलने की ज़रूरत है। कारोबारी हवाले से मैं आपसे कहूँगा, किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने से गुरेज कीजिए। आपके जो जारी प्रोजेक्ट हैं वो भी डिले का शिकार हो रहे हैं, लेकिन परेशान ना हो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस महीने के आखिर तक जो है वो हालात इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। अभी आपको इस मामले में एहतियात की ज़रूरत है। इसी तरह आपके फादर के साथ आपके तल्लुका जो हैं वो बहुत अच्छे बनते नज़र नहीं आ रहे। आपको उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरना होगा, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस वक्त उनका जो रवैया है उसको बैलेंस करना और उसको ले कर चलना आपके लिए काफ़ी हार्ड साबित हो सकता है, तो इस पर आपको फोकस करना है। एग्जैक्टली यही पोजिशन आपकी मदर इन लॉ की तरफ से, आपके ससुराली जो ख़ानदान है वहाँ की तरफ से भी आपके लिए आपको फेस करनी पड़ेगी। मजमू तौर पे ये कोई बहुत अच्छी पोजीशन आपके लिए बनती नज़र नहीं आ रही। आपकी लक आपका बहुत साथ दे रही थी, लेकिन अब मामला चेंज हो गए। दोस्त अहबाब की तरफ से भी कुछ प्रॉक्सी जो है वो बनती नज़र आ रही है, तो आपके लिए मजमू तौर पर ये हफ़्ता एक मिला जुला हफ़्ता होगा। और अगले दिनों में भी कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको अभी से प्लान करनी पड़ेंगी कि आपको उसको किस तरीके से लेके चलना है। सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो मरकरी है, यहाँ पे आ रहा है, तो जहाँ पे आप कुछ अग्रेसिव होते नज़र आ रहे हैं वहीं पे मरकरी आपको बेहतर सूझबूझ की भी इंशाल्लाह सलाहियतें अता करेगा। परवरदिगार की तरफ से ये मदद है, तो इसको ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ जो मालूमात मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये आपके लिए एक गाइडलाइन का काम करेंगी, और आप इनको मद्देनज़र रखते हुए अपने इस हफ्ते को बेहतर अंदाज में, अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजार सकेंगे। इंसान को अगर पता हो कि आगे गड़ा है तो डेफिनेटली वो अपनी स्पीड को रिड्यूस करेगा या रास्ता तब्दील करेगा। एग्जैक्टली यही करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपको बताने के लिए जा रहा हूँ आगे डायवर्शन कहाँ पर है, गड़ा कहाँ पर है, कहाँ आपके लिए कम्फर्ट है और आप अपनी जो स्पीड है उसको फ्लो के साथ चला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यकीनन आपके लिए ये चीज़ें फ़ायदेमंद साबित होंगी। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ज़रूर पुश कीजिएगा, और अगर आप पुराने हैं तो दोस्त साहब आपके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। जेमस्टोन इस वक्त आपके लिए दो चीज़ें बहुत अहम हैं, एक पर्ल यानी कि मोती, अगर वो आप पहने बहुत अच्छा, मॉनस्टोन पहन लें बहुत अच्छा। इसके अलावा अगर आप इस वक्त मरजान पहने, मरजान आपको अग्रेसिव होने से जो है ना वो बचाएगा, मरीख के जो नेगेटिव इफेक्ट्स आपके असेंडेंट में मौजूद हैं उससे आप जो है वो बच सकेंगे। इस हवाले से मैं ऑलरेडी आपको कह चुका, हमारी वेबसाइट www.javagems.com ज़रूर विज़िट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत एक बड़ी कलेक्शन आपको मिलने की इंशाल्लाह। हमारा अगला ज़ोडिक साइन लियो है, यानी कि बुर्ज असद। ऐसे तमाम अफराद जो कि 21 जुलाई से लेके तो 24 अगस्त के दरमियान पैदा होते हैं, ये तमाम जो है वो लियो में आते हैं। आपका जो ज़ोडिक साइन है ये सन है, यानी कि शम्स है, जिसको गैलेक्सी लॉर्ड भी कहा जाता है। दिन आपका जो लकी है वो इतवार यानी कि संडे, और बेहतरीन जेम स्टोन्स में आपके लिए रूबी है। इसके अलावा आप डायमंड वेयर कर सकते हैं, जरकून वेयर कर सकते हैं, लेसनिया वेयर कर सकते हैं, लेकिन डायमंड के हवाले से मैं ये कहूँगा कि स्पेशल रिकमेंडेशन के बगैर, अपना बर्थ चार्ट दिखाए बगैर इसको वेयर ना करें तो बेहतर होगा। बाकी रूबी तो आपके लिए जनरल बहुत ही ज़बरदस्त होता है, आपकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स को अप करता है, ये आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। जेमस्टोन के हवाले से मैंने आपको बताया था कि हमने जो है वो आपकी सहूलत के लिए ऑनलाइन जेमस्टोन का जो है वो पूरी वेबसाइट आपके लिए लॉन्च की है,
www.javajams.com पे आप जाके वहाँ पे रूबी भी देख भी सकते हैं, उसकी पिक्चर्स भी अवेलेबल हैं, क्वालिटी आपके सामने आ जाएगी, प्राइस टैग भी आपके सामने आएगा, सब कुछ सब तरह का अवेलेबल है, जैसा आप चाहें आप उसमें से देख सकते हैं। कुछ चीज़ें वही पिछले हफ्ते का तसलसल आपके साथ भी, जो कि मैंने बताया था, जुपिटर और मार्स और सैटर्न तीनों नेगेटिव हैं। जुपिटर जो है ये आपके पाँचवें और आठवें घर का हाकिम है, मंगनी, शादी, बच्चे, ये तमाम चीज़ें इससे आती हैं, जॉय, लग्जरी, ये सब इसी के साथ आता है। और सैटर्न जो है वो आपके छठे घर से है, जॉब, और सातवें घर शराकती और अजदवाजी ज़िंदगी आपकी शादी से मुतलका है, तो ये तमाम चीज़ें आपकी डिस्टर्ब। मार्स जो है ये आपके चौथे घर का हाकिम है और नौवें घर का हाकिम है, चौथा घर आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी सवारी है, घर का माहौल है, वालदा हैं और आपके ख़ानदान के अफराद हैं, ये तमाम चीज़ें। और नौवां घर आपका बैरून मुल्क सफ़र है, स्पिरिचुअलिज़म है, आपका सोशलिज़ो करब है, आपकी स्पेशलाइजेशन है, ये चीज़ें इस वक्त भी बेहतर नहीं जा रही। चेंज क्या है? चेंज इस वक्त ये है कि आपके जायचे के 11वें घर में आपके कैरियर का हाकिम सैयारा ज़ोरा जो है वो आ चुका है, जो कि अपने घर से मूव करके यहाँ पे आया है, और यहाँ पे इसको औज है, यानी कि अरूज है। तो इसका अरूज क्या करेगा? ये इसका अरूज आपकी खुशबख्ती में इजाफ़ा करेगा। आपके तीसरे घर का हाकिम है तो नज़दीकी सफ़र जो हैं उनको बेहतर करेगा, आपकी तहरीर और तकरीर के मामला बेहतर करेगा, समाजी तल्लुकात आपके जो है उसमें बेहतरी लेके आएगा, मज़ीद बेहतरी, ऑलरेडी ये अच्छा चल रहा था, मज़ीद बेहतरी लेके आ रहा है। और इसके साथ साथ अगर आपके माबैन कोई अजीज़ वकारब के माबैन कोई इख्तलाफात है तो वो ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अब आपका मूड जो है वो कुछ सैर व तफरी की तरफ बनेगा, कुछ नज़दीकी सफ़र आप इस हवाले से जो है वो इख्तियार करेंगे, बहन भाई, अजीज़ वकारब, इनके साथ मेल मिलाप जो है वो बढ़ जाएगा। इसके अलावा आपका कैरियर रोज़गार के हवाले से नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके हस्ब ख्वाहिश आपको मिल सकेंगी, आप असर नौ अपने बिज़नेस को जो है वो स्टेबल करने की पोजीशन में जाएंगे। इस हफ़्ते ये तमाम चीज़ें बड़ी ही ज़बरदस्त हैं, और जो कमर की नज़रात हैं वो भी बड़ी ही अच्छी, बहुत अच्छी नज़रात इस हफ़्ते में आपको मिल रही हैं, तो ये तमाम चीज़ें आपकी बेहतर हो रही हैं, आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना मुमकिन होगी, दोस्त अहबाब आपकी तरफ रगबत करेंगे और उनकी तरफ से आपको फ़ायदा मिल सकेगा, आपके रुके हुए काम भी जो थे वो भी अब इंशाल्लाह पाया तकमील पर पहुँचते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा सडनली आपको कुछ गेन हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ अनएक्सपेक्टेडली जो कि आप नहीं सोच रहे थे वो भी इंशाल्लाह अब आपको मिलने की पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि सन भी आपके एग्जैक्टली 11वें घर में मौजूद है जो कि आपका अपना साइन लॉर्ड है, तो ये तमाम चीज़ें बड़ी ही ज़बरदस्त होकर आपके सामने आ रही हैं। इसके अलावा 11वें घर में आपका साइन लॉर्ड होने से आपकी इज़्ज़त वक़ार में इजाफ़ा होगा, और स्पेशली आपके वो दोस्त अहबाब जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में हैं उनसे वाबस्ता आपकी तवक्कुआत, या गवर्नमेंट में कोई सेक्टर में आपका कोई काम रुका हुआ था तो वो अब बनता नज़र आ रहा है, इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें आपके लिए बेहतरीन होती नज़र आ रही हैं। इमिग्रेशन अप्लाई करने से गुरेज़ कीजिएगा, अगर आप बैरून मुल्क मुकीम हैं तो सवारी की या जगह की तब्दीली आपके लिए बेहतर नहीं होगी, सडनली आपको जगह छोड़नी पड़ सकती है। इसके साथ साथ मरीख और राहु का किरान होने जा रहा है आपके जायचे के 12वें घर में, तो आपको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत होगी, छठे जोहल के साथ मुकाबला और 12वें जो है वो मरीख और राहु का किरान, आपको बहुत एहतियात की ज़रूरत होगी। बहुत सिंपल अगर कहूँ तो आपको अपनी सेहत का बहुत ही ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा, वरना खुदा न खास्ता आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। और इसी तरह कुछ ऐसे नुकसानात भी जो कि आपके मुलाज़मीन की तरफ से आपको आ सकते हैं या आपके शरीक-ए-कार की तरफ से आ सकते हैं, इसके साथ साथ आपको अपने शरीक-ए-हयात की हेल्थ का भी ख्याल करना पड़ेगा, ये दोनों चीज़ें आपके लिए खासी अहम। तो मजमूई तौर पर देखूँ तो ये आपके लिए एक मिला जुला हफ्ता है, उम्मीद करता हूँ जो मालूमात मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो आपके लिए फ्रूटफुल होंगी और आप उनके पेश नज़र मामलात को बेहतर तरीके से लेके चल सकेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करता चला जाऊँ, मैंने आपको जुपिटर और सैटर्न के सदकात ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि आप सैटर्न का सदका 800 ग्राम काले माश एवरी सैटरडे दें, और एवरी ट्यूसडे 900 ग्राम दाल मसूर या मुर्गी की कलेजी देना अपना मामूल बनाइए, कम अज़ कम ये पूरा महीना आपको ये सदका देने की ज़रूरत महसूस होगी, क्योंकि ये आपके बहुत ही अहम पार्ट्स को जो है जायचे के अहम पार्ट्स को जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है, मास
तो इससे बचाव के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा दुआ रद्द नुसत सियारगान पढ़ना अपना मामूल बनाइए। दुआ इंतहाई मुजर्रब है, आजमूदा है। मेरे पिछले 14 साल के एक्सपीरियंस में जो काम ये दुआ करती है मैंने नहीं देखा कि सियारगान के हवाले से कोई और चीज़ इससे ज़्यादा काम करती हो। तो इसको अपना मामूल बनाइएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी दौरान इंशाल्लाह ज़रा फोकस कीजिएगा क्योंकि पिछली बार भी बहुत सारे लोग रह गए। हमने इसमें आज़म बताने का जो सिलसिला शुरू किया था लाइव सेशन में, इंशाल्लाह इसी वीक में हम किसी वक्त भी आपको अनाउंस कर देंगे और ये कम्युनिटी सेक्शन में नोटिफिकेशन आता है, इस पर फोकस करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि हम कब ऑनलाइन आ रहे हैं। इंशाल्लाह हम वो दोबारा सिलसिला कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमारा अगला ज़ोडिक साइन विर्गो यानी कि सुंबला। ऐसे तमाम अफराद जो कि 24 अगस्त से लेकर 24 सितंबर के दरमियान पैदा होते हैं, आप विर्गो होते हैं। और अगर आपको कंफर्म अपनी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है और नाम के जो पहले रूफ हैं वो पे या गैन है तो भी आप विर्गो में आते हैं। आपका जो लकी दिन है वो बुध है और लकी अदद जो है वो 5 है। बेहतरीन स्टोन्स आपकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स के हवाले से मैं देखूँ तो आपके लिए फिरोज़ा पहनिए। जमुरद पहन सकते हैं, जर्द पुखराज पहन सकते हैं, जर्द हकीक पहन सकते हैं। ये चारों जो हैं वो बड़ी ही ज़बरदस्त आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। मैंने पिछली एक वीडियो में भी कहा था कि ये आपके जायचे के अहम तरीन घरों से मुतल्लिक हैं, यानी पहला, चौथा, सातवां, दसवां, ये जायचे के अहम तरीन घर हैं। पहला आपकी पर्सनैलिटी है, चौथा आपका ख़ानदान, प्रॉपर्टी, सवारी, और जो है सातवां आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी, आपके शराती मामलात, और दसवां आपका कैरियर, रोज़गार, आपका सुसाली ख़ानदान, आपकी मदर इन लॉ, आपके फ़ादर, और बहुत सारी चीज़ें इसी दसवें घर से, बहुत ही अहम ये चारों। तो इन चारों से जो रिलेट करते हैं वो दो स्टोन तो ज़बरदस्त हैं, एक एमरल्ड यानी कि जमुरद और एक आपका येलो सफ़ायर। ये आपके चारों कोनों को जो है वो कवर करते हैं। इसको त्रिकोण के घर भी कहा जाता है। इल्मे नुजूम जो जानते हैं मेरे चैनल पर मौजूद जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको समझ सकेंगे कि ये अहम तरीन घर होते हैं किसी भी जायचे के। तो अगर आप ये दो स्टोन वेयर करें तो आप बहुत सारे मामलात को ऑटो सिस्टम में बैलेंस करके, बल्कि उनका उल्टा बेनिफिशियल आपके लिए करते हुए उनसे पूरा रिस्पांस ले सकते हैं। जेमस्टोन के हवाले से हमारी वेबसाइट www.javagems.com विज़िट कर लीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्राइब में हम देते हैं, डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पर पूरी जेमस्टोन की आपके पास रेंज भी मिलती है और बाकी चीज़ें भी आपको इंशाल्लाह वहीं देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आपका अपना रूलिंग प्लैनेट जो कि आपके कैरियर के घर में मौजूद था, अब चेंज होके तो आपके जायचे के 11वें आ चुका हुआ है। 11वें खुशबख्ती का घर, लक का घर। तो 11वें इसके आने से आपके ऊपर आपकी पर्सनैलिटी में बड़े ही खुशगवार असरात मुरतब करेगा। आपके रुके हुए मामलात भी अब जो है वो बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। तस्वीर की नज़र से देख रहा है आपकी असेंडेंट को, ये एक और खूबसूरत चीज़ है। आप अपनी ख्वाहिशात की तकमील के बारे में पहले बड़े डेस्परेट थे, अब उतना मामला जो है वो डिस्टर्ब नहीं होंगे और इंशाल्लाह आपके वो दोस्त जो कि किसी भी हवाले से शोबा तालीम से या अदलिया से मुतल्लिक हैं, ऐसे तमाम लोग जो हैं वो आपको इंशाल्लाह भरपूर जो है वो मुआवनत करते नज़र आ रहे हैं और आपकी ज़हनी इस्तेदाद में इजाफा हो रहा है। आप काफ़ी पीस ऑफ माइंड में जाएंगे, आपको एक कंफर्ट का एहसास होगा और अब वो जो डिप्रेशन वाले मामला जो आपने पिछले महीनों में देखे वो अब ख़त्म होके अब बहुत अच्छी तरफ मामला जो है वो चलते नज़र आ रहे हैं। आपकी माली पोजीशन पहले से भी ज़्यादा अच्छी होने जा रही है। आपके जायचे के 10वें घर, कैरियर के घर में जोरा जो है वो आने लगा है। ऐसे तमाम अफराद जिनकी के प्रमोशन वगैरह रुकी हुई थी, उनकी प्रमोशन जो है उसके चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। आपके सीनियर के साथ आपके तल्लुकात बहुत बेहतर हो जाएंगे, स्पेशली अगर आप किसी भी वल्ले से जो है वो फ़नून लतीफ़ा से मुतल्लिक हैं, फ़िल्म इंडस्ट्री से मुतल्लिक हैं, और इसके अलावा मीडिया से अगर आप मुतल्लिक हैं तो आपके लिए बड़ी ही ये ज़बरदस्त है। इसके अलावा ऐसे तमाम अफराद जिनका तल्लुक किसी भी हवाले से ख़वातीन या बच्चों से रिलेट करता है, इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेट करता है या लग्जरी आइटम से रिलेट करता है, कॉस्मेटिक से रिलेट करता है,
तो ऐसे तमाम अफराद के लिए ये एक आइडियल टाइम है और बहुत ही ज़बरदस्त सिचुएशन जो है वो आपकी बनती नज़र आ रही है। ये आपको माली इस्तेहकाम की तरफ लेके चल रही है। ऑलरेडी पिछले महीने भी आपके जायचे के नामे रहते हुए इसने बड़ी अच्छे असरात मुरतब किए आप पे, अब और भी मज़ीद बेहतर। तो आपके लिए ये मौका है नई इन्वेस्टमेंट करने का, नए तरीके से चीज़ों को लेने का, अपने बिज़नेस स्पॉट की असर नो जायज़ा लेने का, अपनी माली चीज़ जो मामला था उसको बैलेंस करके तो आगे बढ़ने के लिए ये आइडियल टाइम है। जैसा कि मैं आपको पिछले हफ्ते भी बता चुका, आपके अज़ीज़ो कारब और आपके समाजी तल्लुकात, आपका फैमिली, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी सवारी, आपकी मंगनी, आपकी एजुकेशन, आपके लव अफेयर्स, आपकी सेहत, जॉब, ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी पोजिशन में नहीं जा रही। ये एज़ इट इज़ वही पिछले हफ्ते वाला मामला अभी भी चलता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, इस हवाले से आपको कुछ ख़ास एहतियात की ज़रूरत होगी और वो एहतियात आपको बुध वाले दिन करनी है। आपको इन चीज़ों को बड़े ही तहम्मुल और बुर्दबारी से लेके चलें। दुआ रद नुसत से अरगान पढ़िए और जुपिटर और सैटर्न से रिलेटेड जो सदकात हैं उसको मामूल बनाइए ताकि ये चीज़ें आपको जो है वो डिस्टर्ब ना करें, इन्फेक्ट ना हो आप इनसे, बिल्कुल इन चीज़ों से बचा जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो ही होना है जो लिखा हुआ है। देखिए, अगर वो ही होना है तो फिर दुआ किस चीज़ का नाम है, तदबीर किस चीज़ का नाम है। हमें कई अहादीस मिलती हैं कि ये अमल करोगे तुम्हारे रिस्क में इजाफा होगा, ये अमल करोगे तुम्हारा रिस्क कोताह कर दिया जाएगा। तो उसमें फ्लक्चुएशन है तो ही ये इजाफा और कमी है। ये कमी बेशी उसी वक्त में है जब उसमें गुंजाइश मौजूद है। अला कुल्ले शाइन कदीर, परवरदिगार जो है वो हर चीज़ का खालिक व मालिक, वो उसमें उसने कहा मुझसे दुआ मांगो मैं अता करूँगा। तो दुआ का सिलसिला इसीलिए स्टार्ट किया। दुआ रद्द नुसत से अरगान इस हवाले से बेहतरीन दुआ है, उसको पढ़ना अपना मामूल बनाइए। इसके अलावा आपकी शादी तय पाने के इम्कान अभी भी कम है। फैमिली में ले आप इस मामले को लेके काफ़ी मसाइल बनते नज़र आ रहे हैं। बहरहाल इन मसाइल पे काबू पाने के लिए बेहतर होगा वही मैंने आपसे कहा कि दुआ रद्द नुसत से अरगान पढ़िए और सदका दीजिए। आपके बैरूनी मुल्क सफ़र, आपका वीज़ा, आपका स्पिरिचुअलिज्म, आपके सोशलिज कारब, इन तमाम के साथ आपके तल्लुकात बहुत ही बेहतर हो रहे हैं। वीज़ा अप्लाई करने के लिए, स्पेशली कारोबारी नुक्ता नज़र से वीज़ा अप्लाई करने के लिए ये एक आइडियल टाइम है। आप बिल्कुल इस मामले में हेजिटेट ना हो और इस वक्त आप अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। आपके सोशलिज कारब, आपके बहन भाई, स्पेशली आपकी मदर इन लॉ और आपके अपने फादर भी, ये तमाम लोग मिल के आपको कैरियर के हवाले से जो है वो सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह आपका बैरून मुल्क सफ़र की राहें जो हैं वो खुल चुकी हैं। और इसी तरह आपके जो ज़ियारत मुक़द्दसा या उम्रा की सआदत आप हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बिल्कुल ओपन इस वक्त सिस्टम जो है वो चल रहा है। आपकी ख्वाहिशात की तकमील उतनी हद तक नहीं हो पा रही जितनी हद तक के होनी चाहिए। आपके 11वें घर का हाकिम सियारा, वो भी इस हफ्ते में जो है उसको कमर दर अकरब होगा। मून होता है ये 11वें घर में, बुध सरतान आया है आपके, तो कमर दर अकरब जो है वो 13, 14, 15 ये कमर दर अकरब होगा। तो इस वक्त में आपके लिए लाजमी होगा 2 किलो टूटा चावल, आटा या दूध का सदका देके तो अपनी खुशबख्ती की तनसीख से आप बच सकते हैं। ये जो कमर दर अकरब है ये आपके जायचे के तीसरे घर में होगा। तीसरा घर आपके समाजी तल्लुकात, आपके बहन भाई, अजीज़ उकारब और नज़दीकी सफ़र। कोशिश कीजिए जुमरा, जुम्मा और हफ्ता, ये 3 दिन आपको सफ़र ना करना पड़े। अगर सफ़र करना पड़ता है तो सदक़े को देना अपना लाजमी करार दीजिए और अच्छी तरीके से अपनी सवारी का चेक कर लीजिएगा, फिर आप सफ़र पर निकलिएगा। इमिग्रेशन के हवाले से भी ये एक बहुत अच्छा वक्त है। और अगर मैंने जैसे कहा कि आप कारोबारी लिहाज से अगर वीज़ा वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं तो भी अच्छा है। और बैरून मुल्क अगर आप मुकीम हैं तो सवारी और जगह की तब्दीली या अपने रोज़गार के हवाले से कोई बड़ा और अहम फ़ैसला अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक मुनासिब वक़्त है। लेकिन ये आपको इंडिविजुअल चार्ट बताएगा कि आपको जो फ़ैसला जिस तरफ आप जा रहे हैं वो बेहतर है या नहीं। यानी सफ़र करना तो आपके लिए बेहतर है लेकिन किस समत में सफ़र करना है ये एक अहम चीज़ है। आप जो कारोबार करना चाह रहे हैं वहाँ पे इन्वेस्ट करना बेहतर है ये अलग चीज़ है, और इस वक्त इन्वेस्ट करना एक और चीज़ है। हमारे पास कई इस तरह के केसेस आते हैं कि जी हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम कहते हैं जी आपके लिए इस पोर्शन में जो है वो मतलब इस शोभा में आपके लिए इन्वेस्ट करना बेहतर नहीं है,
वैसे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस शोबा में आप इस वक्त इन्वेस्ट कर सकते हैं। कई बार ऐसे केसेस आते हैं, हम कहते हैं यार काम तो बहुत अच्छा है आपके लिए ये, लेकिन ये वक्त अच्छा नहीं है, तो इस वक्त रुक जाएं, ये डेट्स हैं, इन डेट्स में जाके आप अप्लाई करें तो आपको इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये बिल्कुल इस तरह से है। उम्मीद करता हूँ जो मालूमात मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये आपके लिए फ्रूटफुल साबित होंगी, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा। आपकी जो राय है वो हमारे लिए बहुत अहम होती है। वीडियो को दोस्तों अब आपके साथ शेयर करना ना भूलिएगा। हमारा अगला ज़ोडिक बुर्ज मीज़ान यानी कि लिब्रा। ऐसे तमाम अफराद जो कि 24 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर के दरमियान पैदा होते हैं, ये तमाम अफराद लिब्रा में आते हैं। और अगर कंफर्म डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है और नाम के पहले जो हरूफ हैं वो रे थे या तोई हैं तो भी आप लिब्रा में ही आते हैं। आपका जो रूलिंग प्लैनेट है वो वीनस यानी कि सैयारा ज़ोहरा है, और दिन जुमा आपके लिए लकी साबित होता है जनरल में, और इसके अलावा अदद 6 जो है वो भी आपके लिए लकी है। ये तमाम मालूमात मैं आपको जनरल में दे रहा हूँ, इंडिविजुअल जो होती हैं वो किसी भी फर्द का जायचा बनने के बाद पता चलता है, उसकी डेट ऑफ बर्थ और प्लैनेटरी पोजीशन बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद हम रिकमेंड करते हैं कि आपके लिए लकी दिन कौन सा है और लकी अदद कौन सा है, ये तमाम चीज़ें वहाँ मिलती हैं। जो बेहतरीन पत्थर हैं आपकी पहनने के लिए जनरल में, वंस मोर टाइम मैं आपको जनरल बता रहा हूँ, वो आपके लिए ओपल है, आपके लिए ब्लू टोपाज है, वाइट सफ़ायर है, ब्लू सफ़ायर लाइट कलर में अगर आप पहने तो भी आपके लिए काफ़ी सूटेबल होता है। इसके अलावा आप जो है वो दुरे नजब भी पहन सकते हैं। ओपल जो है वो कई बार हम रिकमेंड करते हैं कुछ ख़ास हालात में, वो इंडिविजुअल चार्ट से पता चलता है कि आपको उसके कौन से फायर्स जो हैं वो सूट करते हैं, क्योंकि हम एक जेम थेरापिस्ट भी हूँ तो ये चीज़ें फिर हम उसमें देखते हैं कि आपके लिए स्पेशली कौन से, क्योंकि इसमें मोस्टली चार कलर के जो है फायर्स आ रहे होते हैं, रेड आ रहा होता है, ग्रीन आ रहा होता है, ब्लू आ रहा होता है, गोल्डन आ रहा होता है, तो चार कलर ज़्यादातर इसमें फायर्स के वैसे तो वो होता है। फिर ये भी है कि कई लोगों को हम ब्लैक ओपल रिकमेंड करते हैं कि आप ब्लैक ओपल पहने, तो ये भी ये सब अलग अलग सिम्टम्स हैं। सबसे पहले आपका अपना रूलिंग प्लैनेट वीनस बहुत अच्छी पोजीशन में, बहुत ही अच्छी पोजीशन में जायचे के नामे मौजूद था, अब जो है ये आपके जायचे के 10वें आ जाएगा, और इसके 10वें आने सॉरी आपके 8वें मौजूद था और 9वें आ गया। 9वें इसके आने से आपका स्पिरिचुअलिज़म, आपका बैरून मुल्क सफ़र, आपके सोशलिज़ो का रब और आपकी स्पेशलाइजेशन, ये तमाम शोबाजात बहुत ही ज़बरदस्त हो रहे हैं। अब यहाँ से ये तसलीस की नज़र से जो है वो आपके असेंडेंट को देखेगा, आपकी पर्सनालिटी पे बहुत अच्छा इसके इम्पेक्ट आएंगे, और ये आपको स्पिरिचुअलिज़म की तरफ माइल करेगा, कुछ तवील सफ़रों की तरफ आपका जो है वो रुझान जो है बढ़ेगा, ये तमाम चीज़ें आपके लिए ज़बरदस्त होती नज़र आ रही हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले दिनों में इसने कितना खूबसूरत आपकी पर्सनालिटी पे जो है वो असरात मुरतब किए अपने, इंशाल्लाह अगले दिनों में आपको बड़ा ही वाजे हो जाएगा। वीनस आपके जायचे के 8वें घर का भी हाकिम है, तो 8वां घर आपके वरासती मामलात हैं, शराकती माली मामलात हैं, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह अब आपके लिए बेहतर होने जा रही हैं। दूसरे सियारगान में मैं आपको बता चुका कि मरीख जो है वो नेगेटिव है आपका, जो कि आपके दूसरे माल का और 7वें शराकती अजदवाजी ज़िंदगी का आपके बहुत अहम, आपकी मेरिटल स्टेटस इसका लॉर्ड है। जुपिटर रेट्रोग्रेड है जो कि आपके समाजी तल्लुकात का हाकिम सियारा है, मामला चल रहे हैं, आप समाजी तकरीबात में भी हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन आपके मबैन अब पहले जैसे मामला नहीं रहे, दोस्त अहबाब और स्पेशली ईज़ो अजीज़ व कारब के साथ आपके जो पहले जैसे नहीं है, थोड़ा सा गैप बनता नज़र आ रहा है, और इस वक्त ये गैप देना ही बनता है क्योंकि इसकी रिजत जो है उनके मिजाज में तब्दीली लेके आ रही है। अब बहुत अच्छी बात कि आपका अपना सैयारा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया, आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपकी जो विल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और वहाँ पर वीकनेस नज़र आ रही है जो कि आपको थोड़ा सा टॉलरेंस से अगर आप काम लेंगे तो आप डोमिनेटेड हो जाएंगे, डेफिनेटली आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा आपके खानगी मामला सटन डिस्टर्ब कर रहा है, सवारी प्रॉपर्टी यहाँ से आपको कंफर्ट नहीं मिल रहा, इसके अलावा आपकी मंगनी, आपकी औलाद, आपके लव अफेयर्स, आपकी सेहत, आपकी जॉब
और इसके अलावा आपका कैरियर, रोज़गार, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तमाम चीज़ें जो है वो डिस्टर्ब हो रही हैं। आपके कैरियर के घर में इस वक्त मरीख मौजूद है, उसके साथ राहु मौजूद है और ये दोनों ही नेगेटिव पोजीशन में हैं इस वक्त। इन दोनों की अपोजिशन बन रही है इस वक्त सैटर्न के साथ, जो कि आपके जायचे के चौथे घर में मौजूद है। जोहल का मुकाबला और मरीख राहु किरान, ये किसी तौर भी आपके लिए बेहतर नहीं होगा। तो अपने कैरियर रोज़गार के हवाले से आपको बहुत ही ज़्यादा मोहतात रहना है। इसके अलावा आपके फादर के साथ आपके तल्लुकात कदरे कशीदा होते नज़र आ रहे हैं और आपकी मदर इन लॉ के साथ आपकी ससुराल फैमिली के जो ख़ानदान है वहाँ पे भी कुछ हालात आपके लिए बेहतर नहीं है। हालांकि आपके जो हस्बैंड या वाइफ के जो बहन भाई हैं वो पूरा कॉपरेट कर रहे हैं इस वक्त आपके साथ और वो आपकी सपोर्ट में खड़े हैं, इसके बावजूद मामला जो है वो सेटल डाउन करना थोड़ा सा मरहला होगा आपके लिए, तो इस पर स्पेशल फोकस कीजिएगा। आपकी लक अभी भी आपका साथ दे रही है, बिरूनी मुल्क सफ़र के हवाले से भी और दोस्त अहबाब के हवाले से। आपका कोई दोस्त जो है वो आपको अच्छी हेल्प कर सकता है कि आप जो है वो बिरूनी मुल्क सफ़र के लिए, आपके वीज़े के हसूल के लिए आपको उसकी अच्छी हेल्प मिल सकती है। इस हवाले से आपकी ख्वाहिशात की तकमील होना जो है वो बहुत ही मुमकिन होगा। आपकी इमिग्रेशन और आपकी बिरूनी मुल्क क़याम, इसके हवाले से भी हालात बहुत ही अच्छे हैं और मामलात आपकी हस्बे तवक्को जो है वो आगे सेटल्ड होते नज़र आ रहे हैं। सवारी और जगह की तब्दीली बैरून मुल्क रहते हुए आपके लिए इस वक्त बहुत ही पॉजिटिव होगी। यहाँ पे एक चीज़ और नोट करवाता चलूँ कि इस हवाले से जो दो दिन हैं आपके 9 और 10, इतवार और पीर और मंगल का भी कुछ हिस्सा जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त होगा आपके लिए। मून का कमर का औज होगा आपके जायचे के 12वें घर और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। आप इसके बड़ी ही पॉजिटिव जो हैं वो असरात आपकी लाइफ पे मुरतब होंगे। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया आपकी लक इस वक्त पूरा आपका साथ दे रही है, तो इसको यूज़ करने की कोशिश करें। स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आपका रुझान बढ़ रहा है, बिरूनी मुल्क सफ़र के हवाले से आप जो है वो पर तोल रहे हैं, एन मुमकिन है कि आप जो है वो ज़ियारत मुकद्दसा या उमरा की सआदत हासिल करने के लिए अब आमादा हो जाए। इसके साथ साथ अगर आपने हज के लिए अप्लाई किया होता तो उसकी सफ़र की भी तैयारी का आगाज़ हो चुका होगा। मजमूई तौर पे देखूं तो ये आपके लिए एक मिला जुला हफ्ता है। उम्मीद करता हूं जो मालूमात मैंने आपके साथ शेयर की वो आपके लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद साबित होंगी। इनमें से कोई एक बात भी आपको क्लिक कर गई और आपने उसके ज़रिए फ़ायदा उठाया तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा। इंशाल्लाह बड़ी जल्द आपसे मुलाकात हो रही हो और मैं बताता चलूँ कि इंशाल्लाह बड़ी जल्दी हम अनाउंस कर रहे हैं दोबारा से लाइव सेशन इस्मे आज़म के हवाले से। बहुत सारे लोग पिछली बार भी रह गए, तो आप जितने ज़्यादा भी मुस्तफ़ीद हो सकें ये बिल्कुल ज़बरदस्त एक चीज़ है। इसमें आज़म हम आपको लाइव सेशन में बताएंगे, बड़ी जल्दी अनाउंस होने लगा है। तो स्टे विद अस, चैनल पे रहिएगा, हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। हमारा अगला ज़ोडिक साइन जो है ये स्कॉर्पियो यानी कि बुझे अक्रब है। ऐसे तमाम अफराद जो कि 24 अक्टूबर से लेके 24 नवंबर के दरमियान पैदा होते हैं, ये स्कॉर्पियंस हैं और जिनको कंफर्म डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है और नाम के पहले हरूफ नून, जाल, ज़ाद या ज़ोए से हैं, ऐसे तमाम अफराद भी स्कॉर्पियो में आते हैं। आपके लिए जो बेहतरीन जेमस्टोन्स हैं वो कॉरल है और इस वक्त पहनना आपके लिए बड़ा ही ज़रूरी होगा आप कॉरल पहने, क्योंकि आपका जो अपना रूलिंग प्लैनेट मार्स यानी कि मरीख है वो इस वक्त हबूत की हालत में है, तो उसकी नेगेटिविटी को ब्रेक करने के लिए और अपनी पर्सनैलिटी ट्रेड्स और बाकी चीज़ों को बचाने के लिए बेहतर होगा आप एक मरजान अपने रिंग फिंगर में ट्यूसडे वाले दिन वेयर करें, ये आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त होगा। मेल हज़रात इसको चांदी में पहन सकते हैं और ख़वातीन हज़रात इसको गोल्ड में भी पहनें तो बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा आप नेकलेस या ब्रेसलेट की शक्ल में भी इसको वेयर कर सकते हैं। आपका जो डिजिट है वो 9 है यानी कि 9 और दिन आपका ट्यूसडे आपके लिए लकी साबित होता है, लेकिन इस वक्त चूँकि आपका अपना रूलिंग प्लैनेट बहुत अच्छी पोजिशन में नहीं है तो आप इसको इस वक्त तो लकी काउंट नहीं कर सकते। आपकी अपना रूलिंग प्लैनेट जो है ये आपके जायचे के छठे घर का भी हाकिम है, असेंडेंट का भी हाकिम है और आपके जायचे के नामे मौजूद है, मैं पिछले हफ्ते भी आपको बता चुका, लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ हो गई। अब सिचुएशन मुख्तलिफ क्या हुई, वो ये हुआ कि राहु और मरीख का किरान होने जा रहा है। ये किरान दो नेगेटिव जो हैं वो
पावर्स का किरान है, कंजक्शन है, जो कि किसी तौर भी आपके लिए अच्छी नहीं होगी। और अपोजिशन बनती नज़र आ रही है सैटर्न के साथ, तो ये कोई अच्छी पोजिशन नहीं है। इससे क्या होगा, आपकी सेहत, आपकी जॉब दोनों खतरात में होंगी, और आपके सोशलिज़ और करब जो हैं उनके साथ आपके तल्लुकात कशीदा होते नज़र आ रहे हैं, आपकी सोशल लाइफ कोई थोड़ी सी डिस्टर्ब होती नज़र आ रही है, और आपका बैरून मुल्क सफ़र अगर एक्सपेक्ट कर रहे थे आप तो उसके हवाले से भी कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। हालांकि मरकरी आपके नामे आया है, मरकरी जब नामे आता है तो ये सफ़र को प्रमोट करता है, लेकिन मरकरी के साथ एक और चीज़ है, मरकरी जिस भी सैारे के साथ कंजक्शन करता है, उसके साथ करीब होता है, तो उसकी जो असरात होते हैं उसको प्रमोट करता है, उसको बढ़ा देता है, तो ये मार्स की जो नेगेटिविटी है उसको मज़ीद बढ़ा देगा। ये बड़ी टेक्निकल बात है, मेरे चैनल पे जो मौजूद स्टूडेंट्स हैं एस्ट्रोलॉजी के, ये उनके लिए था एक लर्निंग, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस लिया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। फाइनेंशियल मामला आपके जो हैं वो पहले भी डिस्टर्ब, कुछ थोड़े से टाइट चल रहे थे, अभी भी उसी तरह टाइट चलते नज़र आ रहे हैं आपको। मैंने सैटर्न के पोजीशन भी बताई, आपके खानगी मामला, आपके समाजी जो ज़िंदगी है, आपकी मंगनी, आपके लव अफेयर्स, आपके औलाद, आपके बच्चे, ये तमाम चीज़ें अभी फ़िलहाल आपके लिए कुछ बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। इनसे मुतल्लिक़ मामला जो है वो पेंडिंग में हो जाते हैं या तवील हो रहे हैं, जितनी रेंडमली आपके सिस्टम चल रहा था अब वो नहीं चल रहा। जॉब छोड़ने की गलती बिल्कुल ना कीजिएगा, अपनी सेहत का खास ख्याल कीजिएगा, स्पेशली अगर आपको चेस्ट में पेन हो या आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो फिर आपको अपनी सेहत पे जो है वो स्पेशल फोकस करना है। इस हफ्ते का जो सबसे पॉजिटिव है आपके लिए वो क्या है, आपके जायचे का सातवें हिस्से का हाकिम सैारा जोरा, जो कि सातवें ही मौजूद था, अब आपके आठवें जा चुका है, लेकिन यहाँ पर इसको औज है, तो अभी भी आपकी जो शादी तय पाने के इम्कान बहुत रोशन थे वो अभी भी रोशन रहेंगे, और उसमें कुछ बेहतरी भी आ रही है। इसके अलावा आपको नई शराकतदारी की ऑफ़र हो सकती है, ये शराकतदारी जो है वो आपके विरासती मामलात में भी हो सकती है और आपके शराकती माली मामलात में भी ये पार्टनरशिप आपको सूट करेगी। आपके कैरियर का हाकिम सैारा भी जोरा के साथ है, तो ये दोनों का कंजक्शन जो है वो आपको इंशाल्लाह कुछ पॉजिटिव दे के जाएगा। अपने कैरियर रोज़गार के हवाले से आप काफ़ी सारे वरिड इस वक्त भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी जो है वो उतनी अच्छी नहीं जा रही, तो इन चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आपको लिए बेहतरीन होगा कि दुआ रद्द नुसत सारगन पढ़ें और सदकात पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा। आपके दोस्त अहबाब, आपकी लक आपका भरपूर साथ दे रही है अभी भी, क्योंकि आपके जायचे के ग्यारहवें घर का हाकिम सैारा जो है वो आपके जायचे के नामे रहते हुए अपने घर को तसलीस की नज़र से देख रहा है और आपके ताले को तसलीस की नज़र से देख रहा है, तो ये एक अच्छी पोजीशन है। दोस्त अहबाब, स्पेशली अगर आपका कोई दोस्त ओवरसीज़ मुकीम है, वो आपके लिए अच्छा बेनिफिशियल साबित हो सकता है, उसका तआवुन हासिल कीजिए। इसके अलावा आपकी ख्वाहिशात की तकमील होती नज़र आ रही है, जल्दी अब देर परवरदिगार ने मेहरबानी की और ये मामला बेहतर है। इस हवाले से स्पेशली जो है 8 जून हफ्ता 9 और 10, ये तमाम जो है दिन आपके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त रहेगा इंशाल्लाह। आपके बैरून मुल्क क़याम के हवाले से, इमिग्रेशन वगैरह अप्लाई करने के हवाले से एक अच्छा वक्त, और अगर आप बैरून मुल्क मुकीम हैं और सवारी या जगह की तब्दीली चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। आप अपने माहौल को कुछ लग्जरी करना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, मज़ीद आसाइश के मुतमन्नी हैं, और इस हवाले से आप कदर ज़हनी दबाव का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप जैसा चाह रहे हैं वैसा शायद अभी कर नहीं पा रहे, और इंशाल्लाह अगले दिनों में ये पोजीशन भी बेहतर होगी, और ये चीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए किसी का साथ जो है वो चाहिए होगा, तो अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए, आपका कौन सा दोस्त जो है, आपका कौन सी फ्रेंड जो है वो आपको हेल्प कर सकती है, ये तो ये तमाम मामला आपके इंशाल्लाह कंट्रोल में आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ जो मालूमात मैंने आपके साथ शेयर की हैं ये आपके लिए फ्रूटफुल होंगी। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन ज़रूर पुश कीजिएगा, और मैं आपको यहाँ पर एक मशवरा दूँगा, घबराएँ नहीं, मुश्किलात जो हैं ये बाद मुखालिफ की तरह आती हैं, ये आपको ऊँचा उड़ाने के लिए आती हैं। स्कॉर्पियंस कुछ मामलात में सम टाइम एग्रेसिव हो जाते हैं, जल्द गुस्से में आ जाते हैं, इसको कंट्रोल कीजिए और सदकात और दुआ के ज़रिए अपने मामलात को बेहतर करने की कोशिश कीजिए।
हमारा अगला जोडिक जो है ये सेगिटेरियस है, और सेगिटेरियस यानी कि बुर्ज कौस। ऐसे तमाम अफराद जो 24 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर के दरमियान पैदा होते हैं ये सेगिटेरियस होते हैं। और अगर कंफर्म डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है और नाम का जो कैपिटल वर्ड है वो एफ़ है, डिजिट एफ यानी कि फे से शुरू होता है आपका अगर नाम, तो भी आप बुर्ज कौस में ही फॉल करते हैं। आपका जो दिन लकी दिन है वो जुमेरात है, और अदद जो है वो आपसे 3 मंसूब है, और जेमस्टोन में आपके लिए सबसे बेहतरीन जो है वो जर्द पुखराज है, फिरोज़ा है, जमुर्रद है, और जर्द हकीक भी आप पहन सकते हैं। जेमस्टोन के हवाले से आप हमारी वेबसाइट javajems.com के नाम से www. लगा के javajems.com के नाम से आप इसको विज़िट कर सकते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप नंबर हमारे स्क्रीन पे आ रहे होते हैं आप उस पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जब अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे स्टोन पिक्चर्स और मुकम्मल डिटेल के साथ आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। तो आप घर बैठे जो है पूरे यकीन के साथ कि आपको रियल स्टोन मिलेगा आप मंगवा सकेंगे। आपके लिए कुछ चीज़ें पहले की बिल्कुल जो चल रही थी वही हैं। जुपिटर आपका अभी भी रेट्रोग्रेड, और ये जो है वो तकरीबन कोई 11th of August तक जो है ये रेट्रोग्रेड रहेगा। सैटर्न आपके खाना माल में है, ये 18th of September तक इसने रेट्रोग्रेड रहना है। तो ये सिचुएशन जो आपकी पर्सनालिटी, आपका फाइनेंस, आपके समाजी ताल्लुकात, बहन भाई, अजीज़ो कारब, आपकी तहरीर तकरीर और आपकी प्रॉपर्टी, आपकी सवारी, पीस ऑफ माइंड और घर का माहौल, वालदा के साथ ताल्लुकात, ख़ानदान के फर्क, ये तमाम चीज़ें अभी बेहतर नहीं होती नज़र आ रही। इसके अलावा आपके 5वें घर का हाकिम सैयारा मरीख, जो कि आपके 12वें का भी हाकिम है, आपके जायचे के 8वें और जायचे के अहम तरीन घर में इसको हबूत होने जा रहा है, और ये डे बाई डे अपनी डिग्री जो है वो बढ़ा रहा है। तो इस तरह आपकी मंगनी जो तयशुदा है उसके लिए भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। आपको अपनी मंगनी बचाने की कोशिश करनी होगी, नई मंगनी तय करने की बिल्कुल कोशिश न कीजिएगा। इस वक्त अगर आप ऐसा कोई भी काम करेंगे वो पायदार नहीं होगा और ये इख्तलाफात के बाद ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह आपकी जो मॉरल पोजीशन है वो भी डाउन होगी, और यकीनन कुछ फाइनेंशियल मामलात भी आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं इन्हीं वजूहात की बिना पे। तो आपको इससे गुरेज करनी है। बच्चों को आपको स्पेशल टाइम देना है। इस वक्त सेगिटेरियस के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपने बच्चों को कुछ ख़ास टाइम दे। उनकी वजह से सेगिटेरियस जो है वो कदर ज़हनी दबाव का शिकार होते नज़र आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप प्रेग्नेंट हैं, कोई ख़ातून है, तो आपको अपनी प्रेगनेंसी का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। इस जो अगला जुमला मैं बोलने लगा हूँ, आपने इसको डराना नहीं समझना, इसको समझाना समझना है। आप चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, आपके जायचे के 8वें हिस्से में राहु मरीख कराना है, जो कि किसी सूरत अच्छा नहीं है, जोहल के साथ अपोजिशन है। तो सबसे ज़्यादा अगर आपको किसी चीज़ का ख्याल करना है तो वो आपकी सेहत है। ख़ुद को डिप्रेशन से दूर रखने की कोशिश कीजिए, स्पेशली अगर आप किसी भी वजह से ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो अपनी चेस्ट पेन पे ख़ास ख्याल कीजिएगा, और अपनी ब्लड सर्कुलेशन को जो है बैलेंस रखने की कोशिश कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही अहम होगा। दूसरी तरफ आपकी परवरदिगार की मदद हुई, आपके 6ठे घर का हाकिम जो कि आपकी सेहत से मुतल्लिक होता है वो औज में चला गया, आपके जायचे के 7वें चला गया। अब इसके 7वें जाने से आपकी सेहत पे और भी ज़्यादा मुस्बत असरात जो हैं वो मुरतब होना शुरू होंगे, और इस तरह परवरदिगार की तरफ से एक सपोर्टिंग लाइन भी आई। जैसे कि पमिस्ट्री जानने वाले लोग जानते हैं कि सम टाइम जो लाइफ लाइन होती है उसके साथ उसमें बहुत सारे कट्स होते हैं, और उसके साथ एक सपोर्टिंग लाइन भी आ रही होती है जो कि सपोर्ट करती चली होती है। ये परवरदिगार का निज़ाम है। तो परवरदिगार की तरफ से ये जो मदद आई है उसको ज़रूर हासिल कीजिएगा, और जॉब आपको बेहतर इस वक्त मिलने की तवक्को मैं कर सकता हूँ। आप अगर जॉब स्विच करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी होगी, बेहतर मुलाजमत आपको मिल सकेगी और बेहतर मुलाजमीन भी आपको मिल सकेंगे। इस वक्त अगर आप कोई मुलाजिम रखना चाहते हैं तो अच्छी पोजीशन है। इसके अलावा आपकी शादी तय पाने के कभी इम्कान मौजूद हैं, और एन मुमकिन है कि इस वक्त जो है वो सेगिटेरियस के कुछ लोगों को ये बेनिफिट भी मिले कि उनकी चट मंगनी और पट शादी वाली सिचुएशन है वो भी बनती नज़र आ रही है। मुझे पिछली वीडियोस पे एक साहब ने कमेंट्स किया था, शायद मेल या फीमेल थे आई डोंट नो, लेकिन वो ये था कि जी मंगनी तय पाने के चांसेस कोई नहीं और आप कह रहे हैं शादी हो जाएगी। तो हर जो शादी है वो मंगनी तय नहीं पाती, कोई लाजमी नहीं होता कि आप मंगनी तय करो। आप तो हमने तो ऐसे भी कई बार देखा कि लोग मंगनी तय करने आए, निकाह किया और घर ले गए, और कुछ डायरेक्ट निकाह होते हैं विद इन डेज होते हैं। तो इस वक्त वो चांसेस जो हैं वो अप हैं।
तो अगर जो आप पहले से इंगेज हैं और आपने मेरी हिदायत पर अमल किया है, सदकात दिए हैं, दुआ पढ़ी है, तो वो आपकी मंगनी बरकरार है और शादी होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। इस तरह ये मामला पहले से ज़्यादा बेहतर हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बैरून मुल्क सफ़र की राहें जो हैं वो खुल रही हैं। अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, स्पेशली अगर आप स्पाउस वीज़े पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छी पोजीशन है, आप इस वक्त अप्लाई कर सकते हैं। ससुराली ज़ुकारब के साथ, बहन भाइयों के साथ आपके तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। इसी तरह आपकी मदर इन लॉ के साथ आपके तल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं। ख़ानदान के अफराद जो कि आपके ससुराली ख़ानदान के अफराद हैं, वो भी आपके लिए अच्छी सपोर्ट का बायस बन रहे हैं। इसके अलावा आपके फादर, वो भी इस वक्त आपको अच्छा सपोर्ट करते नज़र आ रहे हैं। कदरे आप उनकी तरफ वजह से कुछ परेशानी का शिकार भी होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सपोर्ट आपको इंशाल्लाह मिलती नज़र आ रही है। आपकी लक इस वक्त जो है वो अरूज पे है, स्पेशली शादी के हवाले से आपकी लक तो बहुत ही अरूज पे है इस वक्त। और आपका कोई दोस्त जो है वो आपको शराकतदारी की ऑफ़र कर सकता है, या उसके ज़रिए से आपको जो है कोई पार्टनर जो है, अच्छा पार्टनर वो मिल सकता है। सडन आपके लिए कुछ बेनिफिट्स कुदरत ने आपके लिए रखे हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेंगे। इमिग्रेशन अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए कतई तौर पे मौजू वक़्त नहीं है। और अगर आप बैरून मुल्क मुकीम हैं और सवारी और जगह की तब्दीली चाहते हैं, तो उसके लिए भी फ़िलहाल आपके लिए जो है ये वक़्त मौजू नहीं है, आपको इससे गुरेज करना है। ये महीना गुजार लीजिए, इंशाल्लाह जुलाई में आपके लिए बड़ी अच्छी खबरें हैं, बड़ा अच्छा टाइम है। इस वक्त अगर आप इसको ब्रेक कर लेंगे, मामले को थोड़ा तामुल से काम लेंगे, तो इंशाल्लाह आगे आपके लिए खुशहाली के दिन मौजूद हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो मालूमात मैंने आपके साथ शेयर की हैं, ये आपके लिए फ्रूटफुल साबित होंगी। हर वीडियो के एंड पे इसी तवक्को पे मैं हर वीडियो बनाता हूँ कि आपके लिए कुछ बेनिफिशियल हो जाए, और आप इसमें बहुत सारी चीज़ों से जो है वो उनके नुकसान से बच जाए। मेरे ऐसे बहन भाई जो वीडियोज़ पर ये कमेंट्स कर रहे होते हैं कि जी जब आप इनसे पूछते हैं तो ये बड़ी भारी फीसें लेते हैं, तो उनको मैं कहूँगा कि प्यारे भाई, आप इन वीडियोस से तो भरपूर फ़ायदा उठाइए। ये तो आपका कोई चार्ज नहीं आपको किया जा रहा, और कुछ नहीं आपसे लिया जा रहा, आपको डिलीवर किया जा रहा है। उन डिलीवरीज़ को लीजिए और अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कीजिए। मुझे खुशी होगी अगर मैं किसी एक हवाले से भी आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज लाने के काबिल हो गया, और या मेरी वीडियोज़ से गाइडलाइन लेते हुए आपने कोई भी एक गलत स्टेप उठाने से गुरेज कर लिया और आप बच गए, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा। हमारा अगला जोडिक साइन कैप्रिकॉन यानी कि बुध जदी। ऐसे तमाम अफराद जो 24 दिसंबर से लेके 20 जनवरी के दरमियान पैदा होते हैं, ये बुध जदी में आते हैं। और आपका रूलिंग प्लैनेट जो है वो सैटर्न यानी कि सैयारा जोहल है। दिन आपसे हफ्ता मंसूब है, अदद 8। ये जनरल में इंफॉर्मेशन है, इसको जहन में रखिएगा। और इसके अलावा जो आपके लिए बेहतरीन जेम स्टोन है, उसमें ब्लू सफ़ायर यानी कि नीलम है, और आप रूबी भी पहन सकते हैं, और आपके लिए अकीक स्याह पहनना भी काफ़ी से ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ऐसे तमाम अफराद जिनको कि अपनी कंफर्म डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है और नाम के जो पहले हरूफ हैं वो जीम, खे या गाफ से शुरू होते हैं, ऐसे तमाम अफराद भी बुध जदी में आते हैं। जेमस्टोन्स के हवाले से आप हमारी वेबसाइट जो है उसको विज़िट कर सकते हैं, ऑनलाइन आप जेम देख भी सकते हैं और उनको परचेज़ भी कर सकते हैं। www.javajems.com के नाम से आपके लिए ये साइट अवेलेबल है, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आ रहा होता है, आप सिर्फ उस पर क्लिक करेंगे तो ये साइट आपकी जो है वो ओपन हो जाएगी। कुछ चीज़ें पिछले हफ्ते का तसलसल हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी, जैसे कि सैयारा जोहल और सैयारा मुश्तरी और सैयारा मरीख, ये तीनों नेगेटिव हैं। जोहल, मुश्तरी और मरीख, ये तीनों आपके जायचे के 12वें, पहले, दूसरे और तीसरे घर के हाकिम हैं, और इसमें आपके जायचे के चौथे और 11वें घर का हाकिम है, और आपके जायचे के 7वें मौजूद है। ये पोजीशन जो है वो एग्जैक्टली पिछली ही का तसलसल है, वो तमाम चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी। बहुत एहतियात की ज़रूरत अब आपको आपके खानगी अज़दवाजी मामलात में होगी, क्योंकि आपके खानगी अज़दवाजी मामला जो हैं वो अब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते नज़र आ रहे हैं। इस हफ़्ते में दो चीज़ें बहुत अहम हैं, एक तो मरीख और राहु का किरान आपके जायचे के 7वें हिस्से में, और आपके ताले में मौजूद जोहल के साथ इसका मुकाबला
ये स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जोहल की इंतहाई करीबी डिग्रीज़ पे जो है वो मरीख आ चुका है। राहु और जोहल का मुकाबला ऑलरेडी चल रहा है, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगी। उसके अलावा जो है वो 13, 14 और 15 यानी जुमेरा, जुम्मा, हफ्ता, 3 दिन आपके बैतुल ज़ौज का हाकिम सैयारा हबूत के घर में होगा, यानी आपके जायचे के 11वें घर में इसको हबूत होगा। 7वें घर का हबूत, 7वें घर में मरीख और राहु, इसका कंजक्शन और अपोजिशन सैटर्न के साथ, ये तमाम चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि आपको अपनी मैरिटल लाइफ को हर सूरत बचाने की कोशिश करनी होगी। अपनी इसी तरह आपकी जो शरीके कार है, यानी आपकी अगर कोई पार्टनरशिप है, जॉइंट एडवेंचर में कोई काम कर रहे हैं, तो भी आपको इसको बचाने की अशद ज़रूरत होगी। इसी तरह आपके खानगी मामला जो हैं वो डिस्टर्ब होते नज़र आ रहे हैं। सवारी और जगह की तब्दीली के हवाले से ये कतई मुआफिक वक्त नहीं होगा, किसी भी किस्म के लेन देन से गुरेज़ कीजिएगा। जगह अगर आपने इस वक्त सेल की आपकी, तो दोबारा मिलनी आपको कदरे थोड़ा मुश्किल होगी, और ऐन मुमकिन है कि इस हवाले से आपके जो है ना, आपके साथ कोई फ्रॉड वाली सिचुएशन भी बन सकती है, क्योंकि मरकरी भी एग्जैक्टली मार्स के साथ साथ मौजूद है, जो कि आपको ट्रैप कर सकता है, तो आपको बहुत ही एहतियात करने की ज़रूरत होगी। फाइनेंशियल मामला आपके एज़ यूजुअल, और समाजी तलुकात भी आपके कदरे स्लो चल रहे हैं। ये चीज़ें आहिस्ता 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 बेहतर होंगी, क्योंकि आपके समाजी तलुकात जो हैं वो 11 अगस्त को जुपिटर के रेट्रोग्रेशन ख़त्म होने से, और आपके फाइनेंशियल मामला और आपकी पर्सनालिटी ट्रेड्स, जो एक मायूसी की पोजिशन आपके ऊपर तारी है, ये चीज़ें 18 अगस्त तक जो है वो नेगेटिव है। अब इन चीज़ों को आप कवर कैसे कर सकते हैं, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका, फिर बताता हूँ। दुआ रद्द नुसत से अरगन पढ़िए, सैयारा जोहल मुश्तरी और मरीख से मुतलका सदकात अपने मामूलात में शामिल कीजिए, ये चीज़ें आपकी बैलेंस हो जाएंगी। आपकी मंगनी, आपकी औलाद, आपके इनामी बॉन्ड, आपके लव अफेयर्स, ये तमाम चीज़ें इस वक्त भी बड़ी अच्छी पोजिशन में चल रही हैं, और इस तमाम हफ्ते में अब तो बल्कि आपका जो 5वें घर का हाकिम सैयारा, ये वीनस है, यानी कि सैयारा जोहरा, ये औज में आ जाएगा। इसके औज में आने से आपके मामलात में मज़ीद बेहतरी आ रही है, लेकिन कदरे आपको यहीं से अपोजिशन भी फेस करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, क्योंकि ये आपके जायचे के 6ठे घर में आ रहा है। 6ठे घर में इसकी पोजिशन जो है वो अपोजिशन की है, जहां आपको एक बेहतर जॉब मिलने की उम्मीद जो है वो बन रही है, और आपके एक से ज़ायद सोर्स ऑफ अर्निंग जो है उसकी उम्मीद बन रही है, वहीं पर आपको कदरे अपोजिशन भी फेस करनी पड़ेगी। इसी तरीके से आपकी मंगनी के हवाले से खुदा न खास्ता आपकी बंदिश भी की जा सकती है, इन चीज़ों को फोकस कीजिएगा ताकि आप इनकी नेगेटिविटी से बच सकें। आपके विरासती मामलात, आपके शाख्ती माली मामलात, वो अभी भी बेहतर पोजीशन में चल रहे हैं। इसके अलावा आपके बिरुन मुल्क सफ़र की राहें जो है वो बहुत अंबार हो रही हैं, स्पेशली कोई लंबा सफ़र जो है वो आपका 9, 10 और 11 3 दिन जो हैं ये आपके किसी आप लॉन्ग ट्रैवल की तरफ जो है वो आप मूव कर सकते हैं, ये आपके लिए एक बड़ा अच्छा वक्त होगा। बहन भाई ससुराली ज़ुकारब के साथ आपके तल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, और इसमें ये बेहतरी आपको आगे चल के मज़ीद रिजल्ट्स जो है वो देगी, और पॉजिटिव इंशाल्लाह ये रिजल्ट्स होंगे। स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आपका रुझान बढ़ रहा है, और इस रुझान के बढ़ने से भी आपके मामलात में बहुत बेहतरी आएगी, क्योंकि आप साढ़सती का शिकार हैं। अब आपको स्पिरिचुअलिज्म पे स्पेशली फोकस करना चाहिए। अब आपको कोई चीज़ बचा सकती है तो वो दो चीज़ें हैं, एक वेद वज़ाइफ, दूसरा सदकात। इसको ज़रूर फोकस कीजिए, अपने हाथ में एक नीलम वेयर कीजिए ताकि आप सैटर्न के नेगेटिव इफेक्ट से जो है उससे बच सकें। ये आपकी पर्सनैलिटी ट्रेड्स और आपकी फाइनेंशियल मामला दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। आपका कैरियर रोज़गार से मुतलका सैयारा जोहरा बहुत ही अच्छी पोजीशन में, और औज के घर में इसके जाने से आपके इस घुटनज़दा माहौल में भी आपके कैरियर रोज़गार के हवाले से आपकी ऑप्शन जो हैं वो ओपन हो गई हैं, और अब इन ऑप्शन के ओपन होने से क्या होगा, आपके लिए नए जो हैं वो टारगेट्स आपके सामने आ जाएंगे। जो पहले से मामला चल रहे थे, जो रुकावट का शिकार थे, वो गोल्स आपके कंप्लीट होने शुरू हो जाएंगे। बड़ी देर से जो आप चाह रहे थे, अब इंशाल्लाह हालात उस तरफ साजगार होने शुरू होंगे। ये कुदरत का निज़ाम है, जहाँ पे वो अंधेरा है वहीं पे उजाला भी है, कहीं घुटन है तो कहीं राहत भी है, बारिश का मौसम भी है, गर्मी भी है, सब ये कुदरत का निज़ाम है। कुदरत किसी पर भी उसकी बसात से ज़्यादा बोझ नहीं डालती, परवरदिगार आदल मुतलिक है, तो यकीनन वो आपकी बसात से ज़्यादा आप पे बोझ नहीं डालता, तो ये उसी का पार्ट है, और मामला आपके बेहतरी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह साथ साथ आपके फादर के साथ आपके तल्लुकात बेहतर होंगे, आपकी मदर इन लॉ के साथ भी आपके तल्लुकात जो है वो पहले से कतरे बेहतर होते नज़र आ रहे हैं।
आपकी ख्वाहिशात, आपकी लक अभी पूरा उतना साथ नहीं दे रही। इसके साथ साथ आपकी इमिग्रेशन, मैं यहाँ पे स्पेशली बताता चलूँ, वो पाकिस्तानी हमारे भाई जो कैप्रिकॉर्न है और बैरून मुल्क मुकीम है, खुदा न खास्ता आपको वतन वापसी की राह देखना पड़ सकती है। और जो नए लोग हैं, अगर आप इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए ये वक्त कतई मुआफ़िक नहीं है। आपको हर सूरत 11 अगस्त का इंतज़ार करना है, उसके बाद इंशाल्लाह हालात आपके बेहतर होंगे। इस वक्त अगर आप बैरून मुल्क मुकीम हैं तो आपको अपनी जगह, जो रहायश की जगह जहाँ भी आप रह रहे हैं, वहाँ पर आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, और ना चाहते हुए आप जो है वो अनकम्फर्टेबल किस्म की सिचुएशन में जा सकते हैं। सवारी की तब्दीली भी इस वक्त बेहतर नहीं होगी, इस जगह को छोड़ के अगली तरफ मूव करना भी आपके लिए बेहतर नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम जगह के साथ नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि सियारगान की पोजीशन जो है वो बेहतर नहीं है। तो वहाँ पे कोई सियारगान कुछ और नहीं होंगे, आपको इन चीज़ों को बर्दाश्त करना है। और मैं वंस मोर टाइम कहूँगा, जोहल मुश्तरी और मरीख से मुतलका सदका दीजिए, और दुआ रद्द नुसरत सियारगान को पढ़ना अपना मामूल बनाइए ताकि आपके मामला जो हैं वो बेहतर हो सकें। अपनी शराकत दारी और अपनी मैरिटल लाइफ, ये दो चीज़ें आपको हर सूरत बचानी है, और अपनी वालदा के साथ आपको तल्लुकात बनाए रखने हैं। इन चीज़ों पे फोकस कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा, और अगर आप समझें कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये वैल्यूएबल हैं तो दोस्त अहबाब अपनी फैमिलीज़ के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमारा अगला जोडिक साइन एक्वेरियस यानी कि बुर्ज दलू। ऐसे तमाम अफराद जो कि 20 जनवरी से लेकर 19 फरवरी के दरमियान पैदा होते हैं, ये बुर्ज दलू में आते हैं। या अगर कंफर्म डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है आपको, और आपके जो नाम के पहले हरूफ हैं वो सीन, शीन, स्वाद या से शुरू होते हैं तो भी आप बुर्ज दलू में आते हैं। आपका जो लकी स्टोन है वो लाजवर्द सबसे बेहतर है, उसके बाद आपके लिए हदीद है, स्या अकीक है, ये तमाम जो स्टोन्स हैं, नीलम भी आपके लिए है, लेकिन आप नीलम पहनेंगे तो फिर रॉयल ब्लू कलर में पहने, डार्क ब्लू कलर में पहने, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और दिन जो है वो हफ्ता आपसे मंसूब है, अदद 8, ये जनरल में है। इंडिविजुअल समटाइम बिल्कुल डिफरेंट निकलते हैं, इंडिविजुअल के लिए आपको जो है वो अपना ज़ाती बर्थ चार्ट जो है वो बनवाना पड़ता है, और ये प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, कुछ फ़ीस पे करके तो आप इससे सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा जेमस्टोन्स के हवाले से आप जो है वो हमारी वेबसाइट www.javagems.com इसको विज़िट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे कंप्लीट रेंज मिल जाएगी, और आपको चीज़ें देख के आप उनके कलर्स भी देख सकते हैं, आप उसकी कटिंग देख सकते हैं, स्टोन क्वालिटी देख सकते हैं, और आप घर बैठे जो है वो क्वालिटी जेम्स परचेज़ कर सकते हैं जो कि ओरिजिनल होने की वारंटी के साथ आपको मिल जाएंगे। मैंने जैसे आपको पहले पिछले हफ्ते भी बताया, कुछ चीज़ें जो हैं वो आपकी अच्छी कंडीशन में नहीं चल रही, जैसे सैटर्न आपका अपना रूलिंग प्लैनेट है, जुपिटर जो आके आपकी लक का भी लॉर्ड है, आपकी फाइनेंस का भी लॉर्ड है, और तीसरी अहम तरीन चीज़ जो है वो मार्स है। मार्स इस वक्त आपके जायचे के छठे घर यानी आपकी सेहत के घर में खड़ा है, और इसके राहु के साथ कंजक्शन करने जा रहा है। सैटर्न जो कि आपके जायचे के 12वें घर में मौजूद है, ये उसके साथ मुकाबला करेगा। 12वां घर यानी आपका लाशऊर, तो ये आपको दो तरीके से डैमेज करता नज़र आ रहा है, एक आपको फिज़िकली डैमेज करता नज़र आ रहा है और एक आपको मेंटली जो है वो डैमेज करता नज़र आ रहा है। दोनों तरीके से आपको अपनी सेहत का बहुत ख्याल करना है, स्पेशली अगर आप अपनी चेस्ट में कोई भी पेन फील करें तो पहली फुर्सत में डॉक्टर के साथ रुजू कीजिए। अगर आप किसी भी वजह से ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो भी आप एक बार अगर अपना ब्लड टेस्ट करवा लें तो ये आपके लिए सबसे बेहतर होगा। दूसरी तरफ कुछ चीज़ें जो बहुत ही बेहतरीन आपके लिए चल रही हैं, आपके चौथे खानगी माहौल का हाकिम सैयारा आपकी सवारी, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी रिहाइश की जगह, इससे मुतलका सैयारा आप जोहरा जो कि आपके जायचे के 5वें जा चुका है, ये औज में है यहाँ पे। तो अब ये आपको जो है वो कुछ लग्जरी की तरफ आपका माइंड जो है वो लेके जाएगा, आप घर में तब्दीलियों की तरफ आपका जहन बनेगा और आप उसमें बेहतरी की तरफ आप जाएंगे। और इसके अलावा घर की तज़ीन व आराइश, आपका मूड होगा, शॉपिंग करें और इसको मामले को बेहतर करें, यानी आप अपना स्पेशली बेडरूम पे आपका फोकस होगा, लिविंग रूम पे आपका फोकस होगा, ये दो चीज़ें आप जो है करेंगे, यानी कुछ ज़ेबाइश और कुछ आराइश की चीज़ें। इसके अलावा अपने कंफर्ट लेवल को बेहतर करने के लिए भी आप कुछ ख़रीदो फरोख्त या कुछ तब्दीलियाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं। सवारी
आपके पास ऑलरेडी अगर है तो आप इसको अपग्रेड करना चाहेंगे, आपका माइंड मेक होगा और इस वक्त आपको बड़ी अच्छी सवारी मिलने के भी कभी इम्कान मौजूद हैं। इसके अलावा वीनस क्या है आपके जायचे के पाँचवें, अब ये आपकी मंगनी जो है ना, जो ख्वाहिश रखते हैं ख़वातीनों हज़रात, जो बच्चे बच्चियाँ ख्वाहिश रखते हैं कि अब वो अंगेज हो जाएं, तो उसके लिए राह हमवार कर रहा है और बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपकी मंगनी अब तय पा जाए। वीनस जब भी पांचवें घर में आता है तो ये इसके अलावा कुछ लव अफेयर्स की तरफ भी लेके जाता है, तो आपको बड़ी एहतियात करनी है इस मामले में, क्योंकि ये मैटर इतना सेंसिटिव है कि जिसमें अब बहुत ज़्यादा हमारे पास केसेस आना शुरू हो गए हैं कि जी चीटिंग हो रही है और कई कई महीने कई कई साल जो है वो एक तल्लुक को लेके चला जाता है और उसके बाद एट द स्पॉट ड्रॉप कर दिया जाता है और अगली तरफ बंदा चला गया, तो इन चीज़ों को देख के कीजिए। यहाँ पे एक चीज़ और आपके गोशगुजार करूँगा, एंगेज होने से पहले कंपेटेबिलिटी दोनों बच्चों की या अपने फियंसी के साथ जो भी प्रपोज़ल आपके पास आ रहा है उसके साथ कंपेटेबिलिटी देखना बहुत ज़रूरी है। कंपेटेबिलिटी देखे बगैर अगर आप एंगेज होते हैं तो फिर बाद में प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। हमारे पास कई ऐसे केसेज हैं कि जी शादी हुई, दो महीने नहीं चली, तीन महीने नहीं चली और सेपरेशन होने की तरफ जा रही है बात, या कई ऐसे केसेस हमारे पास आ चुके हैं कि खवातीन तीन तीन साल से अपने फादर के घर में बैठी हैं, पेरेंट्स के घर में बैठी हैं। वजह क्या है? कंपेटेबिलिटी नहीं है। कंपेटेबिलिटी सिर्फ आप इसको ये ना समझे कि फ़िज़िकल कंपेटेबिलिटी, वो भी एक मैटर है, लेकिन आपकी मेंटल कंपेटेबिलिटी, आपकी नेचर कंपेटेबिलिटी, आपका सोशल रिलेशनशिप, आपका पर्सनल रिलेशनशिप, ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो बहुत ज़रूरी होगा किसी भी चीज़ को फाइनल करने से पहले एक बार रुजू कीजिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बचाइए, अपने जो आप अखराजात करेंगे, जो मुआशरे में आपका सिस्टम सारा है जिस तरह चल रहा है उसको बचाने के लिए आप इसको कंपेटेबिलिटी चार्ट बनवा के देखें और फिर आप जो है इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं, तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं जिन लोगों की हमने कंपेटेबिलिटी देख के फिर उनसे कहा कि हाँ आप यहाँ पे सिलसिले को आगे लेके चल सकते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही कंफर्ट में। और कई ऐसे फैमिलीज़ भी हैं जिन्होंने हमारी इस बात पे गौर नहीं किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें बड़ा अफसोस हुआ, हमने बड़ी पेन जो है ना उठाई है, अगर उस वक्त हम आपकी बात मान लेते तो शायद आज हमारे साथ ये हालात ना होते। तो ये एक कंप्यूटराइज रिपोर्ट है और ये प्रोफेशनल सर्विस है, ये भी जहन में रखिएगा, ये कंप्यूटराइज रिपोर्ट आपको दी जाती है कि आपकी कंपेटेबिलिटी है या नहीं है या कितने परसेंट है, हम इसको बीट कर सकते हैं या नहीं बीट करना चाहिए, हमें आगे लेके चलना चाहिए या आगे लेके नहीं चलना चाहिए, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इसके अलावा अगर आप औलाद के ख्वाहिश मांगते हैं तो परवरदिगार के फजल से आपको औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। एक्वेरियस इस वक्त वो खुश नसीब हैं जिनका कोई लकी ड्रॉ में इनाम जो है वो निकल सकता है, तो अगर आप थोड़ी बहुत भी इंटरेस्ट रखते हैं तो इस पे ज़रूर काम कीजिएगा। और यहाँ पे मैं कहूँ कि किसी भी नुकसान से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप कौमी इदारों के जो प्राइस बॉन्ड्स हैं उसको ख़रीदिएगा, क्योंकि उसमें श्योरिटी होती है कि आपका अगर खुदा ना खास्ता नहीं भी निकला तो आप रिवर्स करके अपनी अमाउंट जो है वो ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त, इसके साथ साथ आपकी शादी होने के इम्कान भी बहुत ही रोशन है। आपके सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो आपके जायचे के पाँचवें मौजूद है, बल्कि बड़ी स्पीड से आपकी इंगेजमेंट और शादी दोनों चीज़ें तय पाने के इम्कान मौजूद हैं। अगर आपकी शादी किसी भी वजह से रुकी हुई थी तो अब उसके इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इसी तरह आपको शराकतदारी की ऑफ़र हो सकती है जो कि आप एक से ज़ायद सोर्स ऑफ अर्निंग में जाने के लिए करेंगे, यानी आप ऑलरेडी कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कुछ सेटअप आप लेके चल रहे हैं, तो मज़ीद कोई नया सेटअप आप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और इस तरह आप एक से ज़ायद जो है वो सोर्स ऑफ अर्निंग की तरफ जा सकते हैं। आपके बैरून मुल्क सफ़र की राहें बहुत ज़बरदस्त ओपन हो चुकी हैं और इसी तरह स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आपकी तवज्जो है वो बढ़ेगी, अपने सोशलिज़ो कारब के साथ आपके तल्लुकात जो हैं वो बेहतर होते नज़र आ रहे हैं, और आप अगर ख्वाहिश रखते हैं तो ज़ियारत मुक़द्दसा या उम्रा हज की सियादत आपको मिल सकती है। ये वक्त बड़ा ज़बरदस्त है, एक बड़ी खूबसूरत मूव बनी हुई है। वीनस आपके जायचे के पाँचवें रहते हुए आपके असेंडेंट को तसलीस की नज़र से देख रहा है, इधर वो आपके नामे घर का हाकिम है और यहाँ से भी तसलीस ही बन रही है, तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा ट्रायंगल ये आपको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ लेके जाएगा और इस वक्त आप जो आमाल करेंगे वो आपके लिए बड़े ही ज़बरदस्त साबित हो सकते हैं।
आपके कैरियर रोज़गार से मुतलका सियारा मैं ऑलरेडी बता चुका, मरीख अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो आपकी जॉब छोड़ने की गलती जो है वो आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। आपके जो सीनियर है आपका वो आपकी इस वक्त अपोजिशन का किरदार अदा कर सकता है, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन ये कर सकता है, तो आपके कैरियर जो है वो इस वक्त दाव पे होगा, तो आपने ये गलती किसी सूरत नहीं करनी। इसी तरह आपकी ख्वाहिशात की तकमील तो हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन स्लो है, बहुत ही स्लो मैटर चल रहा है, तो इसको कोशिश कीजिएगा कि आप इसको बैलेंस करने की कोशिश करें। इमिग्रेशन के हवाले से भी मामला बहुत अच्छे नहीं हैं इस वक्त, अप्लाई किए कि जो केसेस हैं वो ड्रैग ऑन होते चले जाएंगे बहुत दूर तक जाके, एन मुमकिन है कि उनका रिज़ल्ट जो है वो नेगेटिव आए, तो इस वक्त इमिग्रेशन अप्लाई करने की गलती ना कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि जो मालूमात मैंने आपके साथ शेयर की हैं वो आपके लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद साबित होंगी। कोई एक चीज़ भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो तो मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह चंद दिन के बाद ही या शायद बहुत करीब मैं एक बार फिर लाइव सेशन जो है उसको अनाउंस कर रहा हूँ इसमें आज़म के हवाले से। और ये जो लाइव सेशन है उसमें बहुत सारे लोग ऑलरेडी मुस्तफ़ीद हुए, लेकिन बहुत सारी मैसेजेस और कॉल्स उसके बाद कि जी हमें अब बता दें हम लाइव सेशन में नहीं आ सके। सॉरी, ये सिलसिला सिर्फ लाइव सेशन के लिए है, स्पेशली आपके लिए जो है एक घंटा निकाला गया था, उस वक्त तशरीफ़ लाइए। और एज मैक्स मैं कोशिश करूँगा इस बार भी कि आपको मैक्सिमम जो लोग हैं उनको मैं बता सकूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने अगर ये समझ लिया कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल है, आपके किसी दोस्त के काम, किसी बहन भाई के काम आ सकती है, तो ये वीडियो आप उनके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। हमारा अगला और दायरातुल बुरूज का आखिरी जोडिक साइन पाइसिस यानी कि बुर्ज हौत। हाकिम सैयारा आपका मुश्तरी है, दिन जुमेरात है और डिजिट आपसे 7 जो है वो मंसूब है। आपके जेम स्टोन्स में सबसे बेस्ट आपके लिए एमरल्ड पहनना है, जमुरद पहनिए, ये आपके बहुत सारी चीज़ों को कवर करेगा। एग्जैक्टली मैंने एमरल्ड के बारे में अपनी एक वीडियो बना के जावा जेम्स पर ड्रॉप की थी, उसमें मैंने बताया था कि ये आपके जायचे के 4th, 7th, 10th घर को भी कवर करता है, जो कि आपके जायचे के अहम तरीन घर हैं। 1st को 4th, 7th और 10th ये तमाम को कवर करता है और बड़ा ही ज़बरदस्त है। जेमस्टोन्स के वाले से आप हमारा ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड जावा जेम्स वो विज़िट कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको बहुत सी नई वैरायटी भी मिलेगी। और एमरल्ड के बारे में अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो उसके लिए YouTube पे हमारा चैनल जावा जेम्स के नाम से, उस पर एमरल्ड की वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। आपको मैंने बताया था लास्ट वीक भी कि आपका अपना रूलिंग प्लेनेट जो है वो जुपिटर वो रेट्रोग्रेड है, और इसके अलावा सैटर्न रेट्रोग्रेड है जो आपके 11th हाउस आपकी लक से रिलेट करता है। जुपिटर आपकी पर्सनालिटी ट्रेड्स, आपके पब्लिक इमेज और आपके कैरियर रोज़गार से रिलेट करता है, आपकी मदर इन लॉ, आपके फादर और आपका बिज़नेस इस चीज़ से रिलेट करते हैं। ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छी नहीं, ये तसलसल वही चलता हुआ आ रहा है। दूसरी तरफ आपके खाने माल का हाकिम सैयारा मरीख जो कि आपके जायचे के 5वें नेगेटिव मौजूद है, और ये आपके 9वें घर का भी हाकिम है, यानी आपकी फाइनेंस और आपका जो बैरून मुल्क सफ़र है, सोशलिज़ो का अरब हैं और आपका स्परिचुअलिज़म है, ये तमाम चीज़ें अब आपकी कुछ अच्छी पोजीशन में नहीं जा रही। 5वां घर आपकी औलाद, आपकी मंगनी, आपके इनामी स्कीमें और आपके बच्चों से रिलेट करता है, तो ये तमाम चीज़ें अब आपको बड़ी एहतियात के साथ लेके चलनी पड़ेंगी। दूसरी तरफ आपका जो तीसरे घर का हाकिम सैयारा जोहरा है वो बहुत अच्छी पोजीशन में अपने घर मौजूद था, अब वो मज़ीद अच्छी पोजीशन में जा रहा है, यानी आपके जायचे के 4th जो है वो औज में जा रहा है, तो इसका जो औज है वो आपकी सोशल लाइफ जो ऑलरेडी बहुत अच्छी चल रही थी उसको मज़ीद बेहतर करेगा। और नज़दीकी सफ़र जो हैं वो आपके जो है वो बढ़ जाएंगे, बहन भाई जुकारब के साथ आपके तल्लुकात बेहतर होने, मज़ीद बेहतर होने के इम्कान मौजूद हैं, घर का माहौल जो है वो कदरे बेहतर होना शुरू होगा, पीस ऑफ माइंड, और आप अपने घर में कुछ मेजर तब्दीलियों की तरफ आपका माइंड जो है वो बढ़ेगा, और आप कोशिश करेंगे कि घर में कुछ ऐसा सामान जो है उसको लाया जाए
जिससे आप मोर देन रिलैक्स फील करें, यानी आप कंफर्ट अपना जो है उसको बढ़ाने की तरफ आपका मिजाज बढ़ेगा। इसी तरह एन मुमकिन है कि आप कुछ रिनोवेशन की तरफ जाएं, कुछ तब्दीलियां, कुछ सेटिंग की चेंजिंग, कोई कर्टन, कोई फर्नीचर, ये इस टाइप का आपका माहौल बनेगा। इसके अलावा आप अपनी सवारी के बारे में बहुत वरीड थे, उसके भी अब जो है वो चेंज होने के चांसेस बन जाएंगे, और कोई रिपेयरिंग वाला मामला है, कुछ आप उसमें चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हालात बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। और ये मामला आपके इंशाल्लाह अगले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छे होके आगे। आप अगर जगह की तब्दीली चाहते हैं या कोई अपनी रिहाइश के लिए कोई जगह ख़रीदना चाहते हैं, तो ये एक आइडियल टाइम है। ये हफ़्ता आपको अब हालात साजगार देगा और आपके लिए पॉसिबल होगा कि आप सवारी और जगह की तब्दीली कर सकें, और ये बहुत ही अच्छी होगी आपके लिए इंशाल्लाह। इसी तरह आपकी मदर के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे, ख़ानदान के अफराद स्पेशली आपके बहन भाई वो भी, और उनकी वजह से जो है वो ख़ानदान में आपकी इज़्ज़त वक़ार में इंशाल्लाह इजाफ़ा होगा। आपकी मंगनी तय पाने के अभी भी कोई इम्कान नहीं है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका। जॉब के हवाले से बड़ी अच्छी पोजीशन इस वक्त भी आपकी बनी हुई है, ख़ानदान का कोई फ़र्द जो है वो आपकी बेहतर जॉब के हसूल में आपके लिए मुआविन साबित होगा। जो कि इस वक्त आपका कैरियर बहुत अच्छा पोजीशन में नहीं है, इसके बावजूद अगर आप जॉब स्विच करना चाहें तो आप स्विच कर सकेंगे। एक बेहतर पोजीशन और एक बेहतर वक़्त आपके कैरियर का हकीम सियारा आपके जायचे के चौथे बहुत ही अहम घर में मौजूद है। इसके अलावा 9-10 जो है वो मून का औज है आपके जायचे के छठे घर में, तो कमर का ये औज और इसकी बेहतरीन जो नज़रात हैं वो भी इंशाल्लाह आपको काफ़ी से ज़्यादा कंफर्ट करती नज़र आ रही हैं। शराकती अज़दवाजी ताल्लुकात आपके बहुत ज़बरदस्त हैं, आपकी शादी तय पाने के कभी इम्कानात मौजूद हैं, और आप अगर आपकी शादी पहले से तय है तो उसके लिए भी हालात इंशाल्लाह बेहतरीन साजगार आपको मिल रहे हैं। शराकती विरासती मामलात भी आपके अच्छी तरफ जा रहे हैं, आपके रुके हुए मामलात भी अब जो है वो इंशाल्लाह तय पा जाएंगे। ये चीज़ें मैं देख रहा हूँ पिछले महीने से जो है वो पाइपलाइन में आनी शुरू हो गई थी, लेकिन अब उसके आपको रिज़ल्ट आना शुरू होंगे। अब ये वक्त वो है जब आपको उसके नतीजे मिलने शुरू होंगे, जो पौधे आपने लगाए थे आप उसका अब फल खा सकेंगे। और मैं एक अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी कह चुका हूँ कि इस हवाले से आपके बहन भाई, आपका सोशल सर्कल आपकी भरपूर हेल्प करता नज़र आ रहा है। बाकी चीज़ें मैं आपको बता चुका, आपका बिरून मुल्क सफ़र, सोशलिज़ों का अरब, ये तमाम चीज़ें अच्छी नहीं हैं, तो यहाँ पे आपको बचने के लिए दुआरद नुसत शारगन पढ़िए, और जुपिटर, सैटर्न और मार्स तीनों का सदका इस वक्त आप जो है वो अपना मामूल बनाइए। जुपिटर का सदका जुमेरात वाले दिन कुछ बड़ा गोश्त और हल्दी, ये सदका दीजिए, और ट्यूज़डे वाले दिन मंगल को आप जो है वो मार्स का सदका 900 ग्राम दाल मसूर या मुर्गी की कलेजी या किसी भी सुरख चीज़ का सदका देके आप इसको कवर कर सकते हैं। सैटर्न जो कि आपकी लक का भी लॉर्ड है, इससे मुतलका सदका जो है वो आपका 800 ग्राम काले मार्च सैटरडे। इन सदकात को कुछ टाइम के लिए अपना मामूल बनाइए ताकि आप इन स्टार्स के नेगेटिव इफेक्ट से बच सकें। दूसरी तरफ सितारों के मनफी असरात से बचाव के लिए सबसे जो मुजर्रब तरीन अमल मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक है वो दुआ रद्द नुसरत शारगन है। आप व्हाट्सएप पे भी हमसे ले सकते हैं, और आप हमारे कम्युनिटी सेक्शन में डाउन चले जाइए, वहाँ पे ये दुआ मौजूद है। इस दुआ को रोज़ाना 9 मरतबा पढ़ना अपना मामूल बनाइए, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये शारगन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे और आप एक स्मूथ लाइफ गुजार सकेंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी जो फ्राहम करदा मालूमात हैं वो आपके लिए मशाल राह होंगी, और आप इनको मद्देनज़र रखते हुए अपने हालात को बेहतर अंदाज में जो है वो टैकल कर सकेंगे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और मुझे मेरी मीडिया टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अगर मुमकिन हो और आप समझें कि ये वैल्यूएबल हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपके दोस्त अहबाब, आपकी दीगर फैमिलीज, आपके लव वंस के काम आ सकती है, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह बड़ी जल्दी बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।